हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम पे। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या आपको मेरी क्लास लाइव दिखाई दे रही है? सबसे बड़ी बात तो आप लोग जोरदार तरीके से सेशन को शेयर करना शुरू कर दो। क्या आप लोगों को मेरी क्लास लाइव दिखाई दे रही है? तो सेशन को तुम लोगों ने शेयर नहीं किया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपका जो सेशन है उसके लेट होने का एक सबसे ज़्यादा और बड़ा जो मुख्य कारण है, सबसे लेट, ज़्यादा लेट होने का, वो है आप लोगों का, अगर मैं बोलूँ तो, आपका केबीसी स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, आपका केबीसी स्टार्ट नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ और आगे से ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में हम केबीसी का ना ट्रायल लेते हैं पहले, तो जब केबीसी का ट्रायल ले रहे थे तो ट्रायल में कुछ गड़बड़ आ गई और आज ऐसा हो सकता था कि आपकी क्लास ना होती। तो सब ठीक है, ठीक है, तो केबीसी आज होगा, टेंशन नहीं लेने का, सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने का। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बड़े जबरदस्त और धुआंधार तरीके से, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को, सभी को पता है कि आप लोग रोज रात के 9 बजे आते हो, यहाँ पे केबीसी भी होता है और आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। दोनों चीजें आपकी बहुत ही बढ़िया होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जड़ से खत्म करने वाले आज हृदय को, वैसे मतलब दिल को जड़ से खत्म तो कोई नहीं कर सकता। एंड आपका जो धुरीना ऐप पे बैच है और मंथ का जो है एंड है तो फिर आपका एक 799 का एक ऑफर है जिसे आप लिख सकते हो और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने 799 का मेरा एक साइंस स्पेशल का बैच है, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपका 399 का एक क्रैश कोर्स आने वाला है जैसे ही पता है, और ये आपका एक सरप्राइज है जो दिवाली के बाद शुरू होगा। सुबह 7 बजे बायोफिजिक्स की क्लास है, क्लास 12th की, और यूपी टेट, सी टेट, एस टेट जितने भी टीचिंग एग्जाम है वो 9 बजे मेरी क्लास ले सकते हैं। और साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलती है लेकिन एक दिन लेट मिलती है ताकि आप क्लासेस को ढंग से देख सके, ठीक है। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो मानव हृदय में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है, हाउ मेनी टाइम्स अ हेल्दी पर्सन एवरेज हार्ट बीट इन अ मिनट, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत हृदय का एक मिनट कितनी बार धड़कता है, मतलब आपका जो हार्ट होता है वो कितनी बार धड़कता है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़ सकती हूँ, एक बच्चा बार बार अनुरोध कर रहा है, तो अनुरोध हो या विरोध हो किसी का तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइएगा, बाकी किसी पे ध्यान ना लगाइएगा। तो जॉइंट फास्ट मैंने भी अब तक पता है अपने सेशंस को शेयर नहीं किया था, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 72, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी मैं देख पा रही हूँ। देखिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाइएगा, अगर आपको केबीसी में इन्वॉल्व नहीं होने तो मत होइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 72 की बात जो बोली आपने, बिल्कुल सही बोली, 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स जो है वो आपका दिल धड़कता है, कितने पर मिनट, हर एक मिनट में आपका इतनी बार धड़कता है। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मेल की बात करें, अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष का जो धड़कन का एवरेज होता है वो आपका 72 आता है। लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का जो हार्ट रेट होता है वो महिला का हार्ट रेट जो होता है पुरुषों से ज़्यादा होता है और वो 78 होता है। इसलिए कहीं ना कहीं जिसको वो प्रेम प्यार का नाम देती है और कहती है हाय हाय मेरे दिल में घबराहट हो रही है, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसा होता है कई बार वो बाबू शोना को फ़ोन करके बोलती है अपने मेरे ना दिल में घबराहट हो रही है, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। अरे भैया तुम ये घबराहट शबराहट बाद में कर लेना, ये बहुत टाइम बचा हुआ है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ठीक है, बहुत टाइम बचा है उन चीज़ों के लिए, इतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो वो घबराहट आपको जेन्युइनली इसलिए हो रही है क्योंकि आपका हार्ट रेट उनसे ज़्यादा है, 78 है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने एक वीडियो बोलते बनाने के लिए, वो भी मैं आपके वीडियो बनाऊंगी अभी। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ के थोड़े से आदी हो जाओ, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि केबीसी में कैसे पार्ट लिया जाएगा तो आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग से पहले, मतलब जब मेरा क्वेश्चन आने वाला है तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे शुरू होगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन,
When does heart rest? बच्चों आपका दिल कब आराम करता है, जल्दी से बताइए। क्या आपका दिल आराम करता है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या आपका जो दिल होता है वो कभी आराम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हाँ दीपू ने इतना अच्छी बात बोली, माँ भी सोचती है, माँ को भी घबराहट होती है। तो जब माँ को घबराहट हो ना, ज्यादातर देखो माँ को घबराहट कम होती है, सोना बाबू को घबराहट ज्यादा होती है। माँ को अगर कभी घबराहट हो तो ये बोल सकते हो कि बीपी थोड़ा शायद हो सकता है डाउन हो गया हो, ठीक है, जैसे बताइएगा। यस बिल्कुल होती है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हार्ट कभी रेस्ट करता है, दिल कभी आराम करता है, तो आप बोलोगे आराम करता है। और इसके आराम करने का समय होता है, आराम करता है बिटवीन टू बीट्स, हर एक दो धड़कन के बाद, ठीक है, हर एक दो धड़कन के बाद, दो धड़कन के बाद, ठीक है, हर एक दो धड़कन के बाद आराम करता है। कहते मैम कौन सी धड़कन, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, सुनील शेट्टी की थी ना धड़कन धड़कन, ठीक है, शिल्पा के लिए, उसी दो धड़कनों के बीच कहीं ना कहीं ये आराम करता है, ठीक है, आराम करता है इन्हीं दो धड़कनों के बीच। तो 72 मेल का होता है, 78 फीमेल का होता है, और अगर ऑन एन एवरेज पूछे तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। और आप लोगों से पीछे कितने बीट के में ये होता है, दो बीट में ये जो होता है आप लोगों का रेस्ट करता है, तो रेस्ट करता है जी, बिल्कुल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है, द पल्सेस इन द ह्यूमन रिस्ट बीट, ठीक है, मनुष्य की कलाई की नाड़ी, जो बच्चों ये नाड़ी होती है ये, जिसको ना मैं अपनी नस काट लूंगी, तो जो बोलते हैं ना मैं अपनी नस काट लूंगी, तो जो नस की जो नाड़ी होती है उसका पल्स बीट क्या होता है, आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट से बताइए, ठीक है, जैसे बताइएगा। केबीसी का क्वेश्चन सही था पर मेरा नाम नहीं आया, आशीष। आशीष एक्चुअली क्या होता है, आप सभी का नाम होता है, जैसे कल जितने बच्चे केबीसी में इन्वॉल्व थे, अब आपको मैं बता दूं कल केबीसी हुआ था, तो केबीसी में कल लगभग 580 बच्चों ने एक साथ क्वेश्चन दिया था। अब इस 580 बच्चों में से राइट किसने दिया और पहले किसने दिया, ये दोनों चीजें मायने रखती है, ठीक है, जैसे बताइएगा। पहला क्वेश्चन जो आएगा वो हजार हजार आपके लाइक हो जाएंगे, हजार लाइक हो जाएंगे, उसके बाद आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, उससे पहले क्वेश्चन नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात अगर पल्सेस की गई है तो यहां पे आप बीपी बता रहे हो जो कि गलत है। सेम जो हार्ट की होती है, सेम जो आपके हार्ट की होती है, सेम जो समान जो आपके हृदय की होती है बच्चों, वही हार्ट बीट आप लोगों की, सेम हार्ट बीट वही काम करती है, मतलब जो यहां की होती है वो यहीं की होती है, जो यहां की होती है वो यहां की होती है। तो लगभग अगर मैं बोलूं तो 72 पर मिनट ही होगी, और फीमेल की 78 होगी, मेल की 72 होगी, तो आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो 72 ही होती है जितने आपकी हार्ट, ऐसा नहीं है कि यहां तो थक 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 कर रहा है, यहां थक 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 कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितनी यहां है उतनी यहां होगी, ऐसा नहीं है कि यहां तो ऐसा हो रहा है जैसे बम ब्लास्ट होने वाला है और यहां ऐसा हो रहा है जैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, कहती बात समझ में। तो 72 पर मिनट ही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द नॉर्मल एडल्ट, किसी भी एडल्ट में किसी भी व्यक्ति के अंदर नॉर्मल ब्लड कितना होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल ब्लड की बात की जाए तो नॉर्मल ब्लड कितना होता है, जैसे बताइएगा, ठीक है। भाई साहब इंडिया वालों ने तो बड़ी बेइज्जती कर रखी है, बस पूछो मत, ठीक है, अभी कुछ बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं नॉर्मल ब्लड की बात करूं, रुधिर की बात करूं, तो आप सभी को पता है आपका 5 से लेकर 6 लीटर होता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूं। और ये 5 से लेकर 6 लीटर जो होता है ये आपके 7% ऑफ बॉडी वेट होता है, 7% ऑफ बॉडी वेट आपके शरीर के अंदर, मेरे बच्चे आपके शरीर के अंदर, ध्यान सुनिएगा, आपके शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जो 7% आपके शरीर का, सात पर अंदर बोल रही हूं, आपके शरीर का, आपके शरीर का 7% भार, आपके शरीर का जो 7% भार होता है उसी का ये 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है, कहती बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है पेसमेकर कंसर्न्ड विद, पेसमेकर किससे संबंधित है, यानी पेसमेकर का जो काम होता है वो क्या होता है, पेसमेकर क्या करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। हाँ सभी सही आंसर देते हैं, देखिए कुछ सही आंसर देते हैं, कुछ गलत आंसर देते हैं, लेकिन सही देना और बिल्कुल अच्छा देना, ठीक है, ये दोनों में डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस आंसर को दे रहे हो, जैसे बताइएगा, फटाफट से बताइएगा।
मेरे अंदर ब्लड हमेशा कम रहता है, मेरे अंदर खून कम है। मैं अभी सर का खून नहीं पीती हूँ इसलिए मेरे अंदर खून कम है। मेरे अंदर कभी भी मेरा कभी भी हीमोग्लोबिन 10 से ज़्यादा नहीं रहता, 10-11 रहता है शुरू से ही। मतलब नॉर्मल रहता है मेरा 10-11। मतलब बहुत, मतलब घर वाले जब बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं खाने पीने पे, जब डंडा लेके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं कि नहीं सुबह खाली पेट सेब खाना है और ये करना है, तुम खाने पे ध्यान देते हैं, 10-11 बहुत मुश्किल हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी क्लासेस। तुम्हारी क्लासेस की वजह से खाना जो है वो टाइम से नहीं हो पाता, या ढंग से खाना नहीं हो पाता, या खाना कभी कभी खाते ही नहीं है, पूरा पूरा दिन हो जाता है, तो मतलब हेल्थ बहुत खराब हो जाती है उससे। पेसमेकर का काम है बच्चों हार्ट बीट बनाने का। किसका? हार्ट बीट बनाने का। और ये जो हार्ट बीट होता है ये आपका पेसमेकर बनाता है। दूसरी बात है, ये जो पेसमेकर होता है अगर आपका आर्टिफिशियल है, अगर आपका आर्टिफिशियल है, अगर आपका कृत्रिम है, तो ये इसमें एक बैटरी यूज़ होती है। और वो जो बैटरी होती है वो किसकी बनी होती है? वो लिथियम की बैटरी बनी होती है जो दिल धड़काने का काम करती है। दूसरी बात, आप लोगों से पूछा जाए कि भाई पेसमेकर जो होता है इसकी लोकेशन कहाँ होती है, मतलब लोकेशन मतलब ये आपके दिल में कहाँ होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए। और ये बहुत बार पूछा गया है पेसमेकर कहाँ होता है, ठीक है। तो पेसमेकर जो होता है वो आपका होता है बच्चों SA नोड पे, ठीक है, SA नोड पे। इसको हम लोग बोलते हैं NODE, इसको बोलते हैं बच्चों पूरा फुल फॉर्म है साइनो ओरिकल नोड, इसका पूरा फुल फॉर्म है। और बच्चों एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो आपका पेस सेटर होता है, जो आपका पेस सेटर होता है वो कहाँ होता है? और ये क्वेश्चन पहले नीट में बहुत ज्यादा आता था, यानी मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब आपकी तरफ भी आने बढ़ गया है, ठीक है। अरे मेरे बेटा, अब जो भारत पे गुस्सा निकालना बंद करो, एक भारतीय होने के नाते भारत की इकोनॉमी बढ़ाने में मदद करो, थोड़ा मेहनत करो, आगे चल के नौकरी लगेगी, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, जो तुम्हारा तो तुम्हारा हिस्सा है वो तुम अदा करो, बाकी क्रिकेटर देख लेंगे। जैसे बताइएगा, ठीक है, जैसे बताइएगा। राजेश, मैं वैसे सारा जीएस पढ़ाती हूँ लेकिन अभी मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, जैसे बताइएगा फटाफट से। एवी नोड, बिल्कुल सही, बंटी ने सबसे पहले जवाब दिया। बच्चों जो आपका एवी नोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रियो वेंट्रिकल नोड जो होता है आपका एवी नोड होता है। तो पेसमेकर पूछे तो यहाँ, पेस सेटर पूछे तो यहाँ, इसका काम होता है दिल के धड़काने का, और आर्टिफिशियल जब लगाते हैं तो उसकी बन जाती है बैटरी लिथियम, क्योंकि लिथियम हल्का होता है। तो आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवा दिए, ठीक है, ये 3 से लेकर 4 क्वेश्चन करवा दिए। सवाजी बिल्कुल सही है आपका, बात टेंशन मत लो, 3 से लेकर 4 चीजें मैंने करवा दी हो जो आपकी समझ में आ गई है। बहुत सारे बच्चों ने एवी नोड यहाँ पे जवाब दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, एवी और एसए नोड और इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक है ओरिकल, एक है वेंट्रिकल। ओरिकल का मतलब ऊपर वाले में। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैंने इसको एस ए बोला तो ए का मतलब है ओरिकल, और ओरिकल का मतलब होता है आलिंद, यानी ये आलिंद के पास में होता है। और मैं ए वी बोली तो वी का मतलब होता है वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल का मतलब होता है निलय, तो ये निलय में होता है, ये निलय में होता है, और ये आलिंद में होता है, ये ऊपर वाले में होता है, ये नीचे वाले में होता है, तो इनके नाम से भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन, विच बॉडी वेसल्स मेनली कैरी, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल मेनली कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी टू द हार्ट, कौन सी? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये अबकी बार एग्जाम में आएगा, इसको लिख लो, ये अबकी बार एग्जाम में आएगा। कौन सी रक्त वाहिका मुख्य रूप से रक्त ले जाती है, मुख्य रूप से रक्त ले जाती है, कहां ले जाती है? ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में, हिस्सों से दिल में, मतलब हमारे अंग जो है, शरीर के अंग है, इनसे ब्लड लेके आपके दिल में ले जाती है, वो कौन से? जल्दी से बताइएगा, ठीक है, फटाफट से बताइएगा। और एक बच्चे का जो है वो बताएंगे जवाब है, और जब आपके 1000 लाइक हो जाएंगे तभी हम आपको आगे बढ़ाएंगे। कहाँ पे बढ़ाएंगे? केबीसी की तरफ बढ़ाएंगे। तो केबीसी आपके 1000 लाइक होने के बाद आएगा, तो 1000 लाइक और केबीसी का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो केबीसी का फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1000 लाइक पे आएगा, 1000 लाइक पे केबीसी का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। जितने जल्दी 1000 लाइक करोगे उतनी जल्दी केबीसी का क्वेश्चन सबसे पहले आ जाएगा। जितना ज्यादा लेट करोगे उतने कम क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आज 50 से लेकर 100 तक जीतने का मौका है, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे दो चीजें बोली है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बोला है आर्टरी धमनी, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बोला है वेन शिरा। तो आप यहाँ पे दो गलतियां कर गए,
कुछ बच्चों का मानना सही है, देखो लेके तो ये जाती है, ध्यान से सुनो, जो वेन होती है, वेन जो होती है वो लेके जाती है, लेके जाती है, जाती है अंग से, अंग से, ठीक है। ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन से क्या होता है आपका, ऑर्गन से क्या होता है ब्लड लेती है, ब्लड लेती है और हार्ट तक ले जाती है। और आर्टरी जो होता है बच्चों, आर्टरी, ये आर्टरी क्या करती है, ये हार्ट से ब्लड, ठीक है, हार्ट से, हार्ट से ये सप्लाई करती है ऑर्गन में। तो देखो दोनों चीज उल्टी है। अब देखो मैंने आपको जानबूझ के क्वेश्चन दिया, आप क्वेश्चन पढ़ो क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ो क्या है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बॉडी से हार्ट में ले जा रही है, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहे कि दिल से शरीर में ले जा रही है तो आपका आंसर होगा ये, लेकिन अभी ये आंसर यहां पे रॉन्ग है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका वेन, इसका आंसर होगा शिरा। तो दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। और अमित सेन बोलते हैं लड़की, लड़कियों का हंसना अदा है, इसको प्यार मत, प्यार जो लड़ दिखाई नहीं देता इतनी दूर से, इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लड़कियों का हंसना अदा है, इसको जो प्यार समझे वो गदा है, इश्क का गुरूर तोड़, इश्क का गुरूर तोड़ इस हद तक गुजर जाएंगे, तोड़ इस हद तक गुजर जाएंगे कि बीच चौराहे में मोहब्बत खड़ी होगी और किनारे में, किनारे से निकल जाएंगे। अमित सेन जी का ये जवाब है, ठीक है। इतना मतलब, इतना तुम्हें कूटेंगे ना राम खोरो, तुम उसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। इश्क का गुरूर इस तरह से तोड़ेंगे कि तुम खड़े रहोगे और हम बराबर से गुजर जाएंगे। अब यार तुमने अपना चेहरा देखा है, ऐसे चेहरे को भी लड़कियां देखती भी नहीं, और इनकी सारी इतनी खतरनाक होती है जिसकी कोई हद नहीं। अबे हराम खोरो, पढ़ लो, पढ़ लो। कभी पिताजी को सुनाई है इश्क का गुरूर इस तरह से दिखाएंगे कि बराबर, इसका गुरूर इस तरह से तोड़ेंगे कि बराबर से निकल जाएंगे, कुछ ऐसा तुमने बोला था, है ना, पिताजी को सुना है, पिताजी तरह इतना चप्पल तुम्हें देंगे ना, इतना चप्पल तुम्हें देंगे ना, चप्पल क्या भाई साहब, बाटा की चप्पल तुम्हारे मुंह पे ना छाप दी, हद हो गई यार। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इश्क का गुरूर, इश्क हुआ है कभी जो गुरूर तोड़ोगे, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी नहीं होते होंगे, इश्क करने चला है। द वर्क ऑफ द हार्ट इज, दिल का काम क्या है, तो दिल का काम होता है धड़कना, ठीक है। दिल का काम क्या होता है, दिल का काम क्या है अगर आप लोगों से कोई पूछे, दिल का काम होता है धड़कना, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ द हार्ट, हार्ट का काम होता है, ठीक है, बीट करना, धड़कना। कितनी बात समझ में आई, चलिए इनको चौराहे पे इश्क का गुरूर तोड़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका काम क्या होता है, चप्पल से मारेंगे पिताजी, देखो पंपिंग ऑफ ब्लड इंटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना होता है। अब आपका यही हिस्सा आएगा बच्चों, इसका काम होता है पंपिंग का, है ना, पंपिंग का। अब आप बोलोगे दिल का काम धड़कने को होता है, पंपिंग का, वो धड़कता इसलिए क्योंकि वो पंप करता है, ये एक मोटर की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, मोटर की तरह काम करता है। जैसे तुम तीसरी मंजिल पर रहते हो, तुम्हारा घर में मोटर जो चलेगा वो तीसरी मंजिल तक तुम्हें पानी पहुंचाएगा, सेम इसी तरह से दिल का काम होता है हार्ट को पंप करके उसकी सप्लाई करने का, उसका संवाहन करने का, उनका संवाहन करने का। अभी मेरी माता जी की वीडियो कॉलिंग आई थी, वो तुम्हारी बात सुन रही थी और उनको मतलब क्या बोले, उनको इतनी हंसी आई है इसी बात पे, जल्दी से बताइएगा, कहती बात समझ में है। तो पंपिंग का काम होता है, तो अगर आप बोलोगे कि इसका काम जो होता है हार्ट बीट करने का होता है तो ये गलत है, बीट करने का नहीं होता, बीट तो वो पंप करने की वजह से करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 1000 लाइक और केबीसी स्टार्ट, 1000 लाइक और केबीसी स्टार्ट। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जाता है, द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, बच्चों चैम्बर जो ऊपरी कक्ष होता है हृदय का वो क्या कहलाया जाता है, जो ऊपरी कक्ष होता है हृदय का वो क्या कहलाया जाता है, आप लोगों से ये पूछा जाता है, फटाफट से बताइएगा। 1000 लाइक होने पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा। आज लाइक का स्पीड कम है क्योंकि आज मेरी क्लास लेट है, मुझे पता है, और वो लेट भी इसी वजह से हुई है कि केबीसी का जो हम लोग ट्रायल करते हैं वो हो नहीं पा रहा था, तो मतलब आज फिर बच्चे उदास हो जाते। देखिए ध्यान से सुनिएगा, और साइंस की थ्योरी की बुक लेनी है तो तुम लोग दिवाली तक का वेट कर लो बस। देखो ध्यान से सुनिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, अगर ऊपर की बात करते हैं तो इसका होगा ऑरिकल, इसका आंसर होगा ऑरिकल, ऑरिकल का मतलब होगा आलिंद, ठीक है, आलिंद। अब बच्चों देखो, दिल के होते हैं 4 चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं 4, दिल के चैम्बर कितने होते हैं आपसे पूछे,
चैम्बर कितने होते हैं, कोष्ठक कितने होते हैं, कोष्ठक होते हैं आपके चार, कितने होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं। अगर चार कोष्ठक की बात करें तो ऊपर वाला जो कोष्ठक होता है वो कौन सा होता है बच्चों, ऊपर के दोनों कोष्ठक जो होते हैं वो होते हैं ओरिकल, ओरिकल ठीक है, आलिंद, और इसको आप एक नाम से और जानते हो, इसको एट्रियम भी बोला जाता है, इसको एट्रियम भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसके दो नाम होते हैं ठीक है। और नीचे वाला जो होता है वो वेंट्रिकल होता है, उसको हम लोग निलय बोलते हैं। तो तभी मैंने आपको बोला था साइनो ओरिकल, यानी ऊपर, और एंट्रियो वेंट्रिकल मतलब इधर नीचे वाले इसमें, तो ये ऊपर का हिस्सा ये ओरिकल होता है, ये नीचे का हिस्सा वेंट्रिकल होता है, फिर आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। अगर आपको सच में दिल बनाना है तो ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा, सच में दिल बनाना है तो ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरह से आपका दिल होता है, ये इस तरह से आपकी वॉल्व होती है, फिर इस तरह से ऐसे ऐसे जाया रहता है ठीक है। अब इसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है बच्चों, ये आपका ओरिकल होता है और ये आपका वेंट्रिकल होता है, क्लियर है, दोनों दिल बनाने आते हैं। कहते बात समझ में आई ठीक है, दिल के तो पहले चार टुकड़े हो रहे हैं और तुम कितने करोगे, दिल के तो पहले चार चैम्बर है ठीक है। कहते बात समझ में आई, तो ये आपका हो गया ओरिकल एट्रियम, ऊपर का हिस्सा जो होता है वो ओरिकल होता है, नीचे का पूछे तो वेंट्रिकल होता है ठीक है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपको हार्ट अटैक क्यों आता है, क्या कारण होता है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आने के कितने कारण होते हैं जल्दी से बताइएगा, हार्ट अटैक आने के कितने कारण होते हैं फटाफट से बताइएगा, क्या क्या कारण होते हैं जिस वजह से हार्ट अटैक आता है ठीक है। देखो अगर आपका ब्लड का सप्लाई लेस हो रहा है, लेस सप्लाई ऑफ ब्लड ठीक है, रुधिर का कम सप्लाई हो रहा है, या रुधिर का कम संवाहन होना। देखो बच्चों क्या है, सपोज करो ऐसे करके ये आपकी कुछ भी आर्टरी वेन कुछ भी मान लो, यहां पे आपका बीच में ब्लॉकेज हो गया ठीक है। अब अगर ब्लीच में ब्लॉकेज हो गया और आपका ब्लड जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो यहां पे आपका लेस ब्लड सप्लाई हो रहा है, लेस ब्लड सप्लाई हो रहा है, ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, चाहे वो आपके कोलेस्ट्रॉल के रुकावट से हो, किसी भी रुकावट से हो, रुकावट हुई ब्लड नहीं गया, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक आपका कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है अगर ब्लड की सप्लाई कम होगी। दूसरा एक सबसे मेजर कारण बताती हूँ बच्चों, जिनका बीपी लेस होता है, जिनका बीपी कम होता है उनको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं, जिनका बीपी कम होगा उनको ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस है, और जिनका बीपी हाई होता है उनको ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है देखा जाता है। तो ऐसा आपको लगता है कि भाई जिनका बीपी हाई होता होगा उनको हार्ट अटैक आता होगा, एक्चुअली में जिनका बीपी हाई रहता है कहीं ना कहीं उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी होती है जिस वजह से ऐसा होता है। तो बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो ये हाल होगा, बीपी कम है तो ये हाल होगा। देखो एक पाइप है, आप पाइप को प्रेशर दे रहे हो, जा रहा है, आप पाइप को ऐसे बंद कर दो कहीं से, प्रेशर आ ही नहीं रहा पीछे से ठीक है, तो भी दिक्कत है ठीक है, पाइप को ऐसे बंद कर दो वो जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात है आपने क्या किया, पाइप की टंकी बड़ी थोड़ी सी मंदी कर दी, मतलब कम कर दी ठीक है, अब वो आराम आराम से जा रहा है, अब पानी वहां तक पहुंच ही नहीं रहा तो अभी खत्म हो जाएगा ठीक है। कहती बात समझ में आई, चलिए तो ये दो सबसे मुख्य कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु परफॉर्म्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, विश्व का प्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण जो हुआ था, मतलब एक तरह से आपका हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो किसने किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, जैसे बताइएगा सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, फटाफट से बताइएगा, हजार लाइक केबीसी का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखिए सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया था बच्चों, वो किया था आपके क्रिस्टीन बर्नार्ड ने, किसने किया था, क्रिस्टीन बर्नार्ड ने, किसने किया था, आप बर्नार्ड याद रखोगे तब भी याद रहेगा बच्चों, क्रिस्टीन बर्नार्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, हृदय प्रतिरोपण किया था, हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था, क्या किया था बच्चों, हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपने भाई पे किया था, अपने क्या किया था, भाई पे किया था, अपने ब्रदर पे किया था, सीधी सी बात है कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने भाई बहन पे ही हो सकता है ना, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये अपने भाई पे किया था क्रिस्टीन बर्नार्ड ने, और ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इसका लोकेशन क्या है, और यही आपका कहीं ना कहीं आगे चल के कोई ना कोई क्वेश्चन फंसने वाला है, इसलिए जानबूझ के नहीं बता रही हूं कि ये कहाँ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था ठीक है। तो क्रिस्टीन बर्नार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था हृदय प्रतिरोपण का, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपने भाई पे किया था। अगला क्वेश्चन है, विच कैरीज इम्प्योर ब्लड सर्कुलेशन, अशुद्ध रक्त संचारण कौन करता है, भाई कौन है जो ब्लड का सप्लाई करता है जो अशुद्ध है, और किसी भी चीज को अशुद्ध कहने का मतलब होता है CO2 ठीक है। मैम पेनकिलर ज्यादा खाने से किडनी खराब होती है, पेनकिलर ज्यादा खाने से किडनी खराब होती है ठीक है।
ठीक है, जैसे बताइएगा। कृत्रिम पेसमेकर किसी धातु से नहीं बना होता बच्चों, कृत्रिम पेसमेकर की जो बैटरी होती है वो लिथियम से बनी होती है, ठीक है। शिरा धमनी बच्चों ध्यान से सुनिएगा, CO2 की सप्लाई दो करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर CO2 की सप्लाई की बात करें तो जो आपकी वेन होगी बच्चों, जो आपकी शिरा होगी, वो क्या करती है, आपकी CO2 की सप्लाई करती है। CO2 का संवहन कौन करती है, आपकी शिरा करती है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कौन सी शिरा, तो शिरा दो टाइप की होती है, ध्यान सुनिएगा, शिरा दो टाइप की होती है जो सप्लाई करती है। एक होती है बच्चों वेना केवा, एक होती है वेना केवा, वेना केवा जो सप्लाई करती है, ठीक है, किसकी, CO2 की। और बच्चों एक होती है आपकी पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ध्यान सुनिए, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय शिरा। बच्चों फुफ्फुस शब्द जो जुड़ा होता है वो फेफड़ों से जुड़ा होता है बच्चों, ये आर्टरी है, ध्यान सुनिएगा, ये आर्टरी है। अब आर्टरी को सोचना, ये क्या है आपका, ये आपका एक एक्सेप्शन है, ये आपका एक अपवाद है, ये आपका एक अपवाद है जो CO2 सप्लाई करता है बच्चों। ये एक ऐसी आर्टरी है, ये एक ऐसी शिरा है जो CO2 की सप्लाई करती है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये नहीं लिखा हुआ था कि इम्प्योर ब्लड कौन सप्लाई करता है भाई, वेन या आर्टरी, और वेन करती है तो कौन सी करती है, और आर्टरी करती है तो कौन सी करती है, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो अगर आपसे पूछे इम्प्योर ब्लड कौन सप्लाई करता है, तो आपकी वेन जो होती है वो अशुद्ध खून यानी CO2 ब्लड का सप्लाई करती है, और ये दो तरह की होती है, एक वेना केवा, एक पल्मोनरी। और वेना केवा को ही हम लोग महाशिरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाशिरा, वेना केवा को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। महाशिरा होती है, ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है, लार्जेस्ट वेन होती है, आर्टरी नहीं होती, लार्जेस्ट वेन होती है आपकी। महाशिरा जो होती है वो यही होती है, वेना केवा, कौन होती है, वेना केवा। कहती बात समझ में आई मैम, गौरव सर की टीम आ चुकी है बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है कि आप 8 बजे वहां क्लास देखते हो, फिर 9 बजे यहाँ देखते हो, तो एक कंटिन्यूस आपकी चीजें हो जाती है। हार्ट के अंदर पेन जब ही होता है जब आपके ब्लड सप्लाई होने की कोशिश करे लेकिन वहां पे ब्लॉकेज हो, तो वो बार बार सप्लाई करने की कोशिश करे लेकिन वहां ब्लॉक है, तभी आपको हार्ट के अंदर दर्द होता है। अगला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है, तो आपके वो तीनों चारों क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द पल्स रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन्वेस्टिगेटेड, मानव शरीर की नाड़ी दर क्यों जांची जाती है, जल्द से बताइएगा। किसी भी मानव शरीर की जो नाड़ी है वो क्यों जांची जाती है, जल्द से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, ठीक है। मानव की जो नाड़ी है वो क्यों जांची जाती है, ठीक है। इसके बाद में KBC करवाने वाली हूं, लेकिन सेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करना है, ठीक है। देखो, नाड़ी इसलिए नापी जाती है ताकि जो आपका हार्ट है, आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है, भाई तेज बीट कर रहा है, कम बीट कर रहा है, इसलिए नाड़ी पे हाथ लगाया जाता है। नाड़ी का मतलब क्या होता है, ऐसे देखा जाता है, ऐसे करके डॉक्टर देखता है ना ऐसे नाड़ी पे, वो इसलिए देखता है, ठीक है। नाड़ी इसलिए ही देखी जाती है, वो चेक करता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए सामने KBC लेके आने वाली हूँ, अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको KBC दिखाने वाली हूँ। तो 1000 आपने लाइक कर दिया लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो KBC शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग चैनल को एक बार जोरदार तरीके से सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला KBC आप लोगों के सामने, KBC का मतलब क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पे, तो जरा देखते हैं और बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहला KBC का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सबसे पहली बात तो बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? अब ध्यान से सुनिएगा, पहले रूल आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने बच्चे आए हैं, जब मैं आपको केबीसी का क्वेश्चन देती हूं, केबीसी का क्वेश्चन आंसर आने के बाद में, क्वेश्चन आंसर आने के बाद में यहां पे मिनट शुरू होती है, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और उसमें आपका गूगल फॉर्म आ जाता है, जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसको हम विजेता घोषित करते हैं बिल्कुल लाइव। तो जैसे ही मैं करूंगी, वो नीले रंग का बॉक्स है, आपको एकदम से एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना आंसर देना है। तो जल्द से देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिना देरी के,
सभी बच्चे गूगल फॉर्म पे जाए, पिन लिंक पिन हो चुका है, लिंक पिन हो चुका है, गूगल फॉर्म पे जाए, गूगल फॉर्म प्लीज चेक, गूगल फॉर्म लिंक पिन हो चुका है। फॉर्म पिन हो चुका है, फॉर्म पे आपको आंसर देना है। आप देखते हैं कितने बच्चों ने जो है वो सही आंसर दिया है। तीन बच्चों के नाम लेते हैं, जो टॉप फर्स्ट होता है उसको आंसर दिया जाता है। तो अब देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जिसने आंसर दिया है। कितने बच्चे अब तक आंसर दे चुके हैं? रेस्पॉन्सेज की अगर मैं बात करूं तो रेस्पॉन्सेज में लगभग 122 बच्चों ने फटाफट से फॉर्म को फिल किया है, यानी 1000 बच्चों में से कुल 122 बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है, ठीक है। और अब देखते हैं लगभग इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। 33% आंसर आ रहा है आपका, क्या कहते हैं 28 आ रहा है, इंग्लैंड एंड अमेरिका आ रहा है आपका, और क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका भी आंसर आ रहा है, लेकिन फ्रांस सबसे कम दिया है। तो रेशो जो है बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों का। और मैं आपको बता देती हूँ, आपका एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले आर्टिफिशियल हार्ट का जो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी जो की थी वो सबसे पहले किसने की थी? क्रिस्टन बर्नार्ड ने की थी, अपने भाई पे की थी। लेकिन मैं आप लोगों को जानबूझ के नहीं बताया कि वो किस देश में हुई थी, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो रेस्पॉन्सेज लगभग 270 आ चुके, सॉरी 370 से ऊपर आ चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि सबसे पहले किसने क्वेश्चन दिया, आंसर का जवाब जो सही दिया, ठीक है। सबसे पहले जो है आंसर दिया है अंकित ने, मुझे ऐसा लगता है अंकित ने सबसे पहले आंसर दिया है। और अंकित का आंसर दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है, अंकित का आंसर बिल्कुल सही है। और तो अंकित को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि अंकित आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। अब अंकित को मुझे ऐसा लगता है गूगल फॉर्म, अब ये देखना है ये कल वाले अंकित है या कोई और अंकित है, क्योंकि शायद हमारे क्लास में कल भी एक अंकित थे जिन्होंने जीता था, ठीक है। लिंक ओपन जब नहीं होता, जब टाइम आउट हो जाता है। और दूसरे जो बच्चे रहे हैं वो कौन से रहे हैं? दूसरा जो बच्चा रहा है उसने भी दक्षिण अफ्रीका आंसर दिया है, मोहित उनका नाम है, ठीक है। तीसरा बच्चा जो रहा है वो देखते हैं कौन रहा है, तीसरा बच्चा रहा है अमन, अमन का आंसर जो है वो गलत है। तीसरे बच्चा है अमन, अमन ने अमेरिका जवाब दिया है, अमन का आंसर गलत है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका अविनाश ने दिया है, तो अविनाश जो है वो थर्ड विनर माना जाएगा, पहला अंकित, दूसरा मोहित और तीसरा अविनाश, क्योंकि उसमें से एक बच्चे ने आंसर गलत दिया है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अभी पेमेंट समरी इनकी क्या है। अंकित जी जो है वो फोन पे यूज़ करते हैं, और अंकित जी हम जो है वो फोन पे यूज़ नहीं करते हैं। तो अंकित हम गूगल पे और पेटीएम यूज़ करते हैं। तो अंकित हम आपका जो फोटो है वो ले लेते हैं, और हमारी टेक्निकल टीम आपका जो है, टेक्निकल टीम इनके नंबर पे कॉल करके इनका कोई गूगल पे या पेटीएम नंबर प्लीज़ ले लीजिएगा। वैसे जहाँ तक है मैं चेक करती हूँ इनका नंबर होगा और इनके अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, आपका ये क्वेश्चन जो है वो कैसा लगा, ठीक है। बहुत बढ़िया लगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। एक बार इनका फ़ोन नंबर चेक करके देखते हैं हम लोग। हमें फोन पे का ऑप्शन रखना पड़ेगा। अंकित, अंकित यादव इनका पूरा नाम है, अंकित यादव। कल वाला अंकित अलग था, आज वाला अंकित यह अलग है। तो ये गूगल पे आ रहे हैं, इनको हम पे कर सकते हैं। तो वी आर पेइंग 25 रुपीज़ टू हिम, क्योंकि आज हम 100 रुपये, 50 से लेके 100 रुपये का रखा हुआ है, 29 ये आपको भेज रहे हैं हम लोग। अंकित यादव प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, आपका पूरा नाम अंकित यादव आ रहा है और आपको पेमेंट हो गई है। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं, ठीक है। अपने क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है हार्ट पढ़ने वाले हैं। सो अंकित यादव को जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो गई है, देखिएगा अंकित यादव। अंकित यादव प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा कि आपको जो है आपका पूरा नाम आ रहा है अंकित यादव, वैसे आपने अंकित फिल किया था, तो आपको पेमेंट हो चुकी है मेरी तरफ से। और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपकी पेमेंट आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से जो पूछा जा रहा है वो पूछा जाता है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, विलियम हार्वे इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ, विलियम हार्वे, ठीक है, किसकी डिस्कवरी के लिए, किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा किसके लिए है, फटाफट से बताइएगा।
फटाफट से बताइएगा। संजय कुमार जी, मेरी क्लास जो होती है रोजाना 9 बजे लाइव होती है। जैसे बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। ब्लड ग्रुप, बिल्कुल, विलियम हार्वे ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अबे गधो, किसने बता दिया? खून खराब कर दिया तुमने मेरा, इतना गुस्सा आ रहा है, मैं मजाक नहीं कर सकती तुम्हें। ये किसने बढ़ा दिया तुम्हें ब्लड ग्रुप की खोज की थी भाई साहब? ये बता दो, पढ़ने के बाद भी बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हो? नंबर कटवाने हैं क्या तुम्हें अपने? विलियम हार्वे कितनी बार पढ़ चुके हो, कितने टीचर से पढ़ चुके हो, कितनी किताबों से पढ़ चुके हो? बच्चों, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन दिया था। ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण के बारे में बताया था। नहीं, पर तुम्हें तो गुरूर तोड़ना है इसके चौराहे पे, है ना? इसके चौराहे पे तुम्हें तो गुरूर तोड़ना है। तुम तो ब्लड, नोट करो इस बात को कि अगर ब्लड ग्रुप की बात आएगी, अगर ब्लड ग्रुप की बात आएगी, अगर रुधिर, ठीक है, या फिर रक्त समूह की बात आएगी, रक्त समूह की बात आएगी, तब आपका आंसर आएगा लैंडस्टीनर। तब आपका आंसर आएगा लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने खोजा था, ठीक है। ब्लड ग्रुप, आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर ब्लड ग्रुप आया है, आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर ब्लड ग्रुप है। नहीं, इसके चौराहे पे तुम पहले गुरूर तोड़ लो, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन, और इन्होंने बताया था कि जो आपका ब्लड है वो 0.8 सेकंड लगाता है पूरे हार्ट में घूमने में। तो पूरे हार्ट में 0.8 सेकंड में ब्लड घूम जाता है, जो कम से कम 2 प्रणाली में आपने घूमता हुआ देखा होगा, 0.8 सेकंड घूमता है। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि 0.3 सेकंड एक बार घूमता है और 0.5 सेकंड एक बार घूमता है, और कई जगह आपने ये भी पढ़ा होगा कि 0.3 सेकंड एक बार घूमता है, प्लस 0.4 सेकंड एक बार घूमता है, और प्लस 0.1 सेकंड एक बार घूमता है। ये दोनों चीजें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन पढ़ेगा वो ना जिसने पढ़ी होगी। कहती बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, सारे बच्चे सेशन की शुरुआत बहुत बढ़िया किया आपने। अब कम से कम 1500 लाइक हो जाने चाहिए तब अगला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1500 लाइक पे अगला क्वेश्चन आएगा। विद इन विच कैविटीज द ह्यूमन बॉडी डज द हार्ट रिसाइड इन? बच्चों, मानव शरीर की किस गुहा के अंदर आपका दिल होता है, ठीक है। ये दिल तो इतना पागल है, ठीक है, ये डैश तुमसे करता है, प्यार तुमसे करता है, ऐसा तुम गाना सुनते होगे। अभी जो तुम्हारा दिल है ये कहाँ होता है, आप लोगों से ये पूछा गया है। कई बार ना खून खोल जाता है बहुत जबरदस्त वाला, जब गलत क्वेश्चन देते हो, जब हजार बट पढ़ रखा है। ब्लड सर्कुलेशन यानी आपके शरीर में रुधिर का घूमना और आपका ब्लड कैसा है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। क्वेश्चन ही नहीं ध्यान से पढ़ रहे, ब्लड मतलब इसके चौराहे पे गुरूर तोड़ेंगे ये। थोरेसिक कैविटी, मीनाक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों। थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी उस हिस्से को बोलते हैं बच्चों, ठीक है, जिस हिस्से में आपका दिल होता है। थोरेसिक कैविटी के अंदर आपका दिल पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? थोरेसिक कैविटी में आपका दिल। लोकेशन नहीं पूछी थी आपसे, पूछा था किस कैविटी के अंदर, किस गुहा के अंदर दिल पाया जाता है। क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हो। थोरेसिक कैविटी वैक्षिक क्षेत्र में पाया जाता है। सपोज करो ये आपका गुर्दा है और ये इधर आपका गुर्दा है, तो ये वाला गुर्दा आपका लेफ्ट होता है, ये वाला राइट होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाता कि किस फेफड़े के अंदर, किस लंग्स के अंदर, मतलब किस लंग के अंदर आपका पाया जाता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं लेफ्ट। तो लेफ्ट के अंदर एक ऐसे करके गुहा होती है जिसके अंदर आपका दिल होता है, इसी को हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, इसी को हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जहां दिल होता है। इसीलिए आपका लेफ्ट वाला जो फेफड़ा, लेफ्ट यानी आपका लेफ्ट वाला जो लंग होता है वो छोटा होता है, ठीक है। अब अगर आपका राइट में दिल होगा तो राइट वाला आपका जो फेफड़ा होगा वो छोटा होगा। कहती बात समझ में आई? तो इसके अंदर पाया जाता है वैश्विक छिद्र, यानी वैश्विक गुहा भी, छिद्र यहाँ गलत है, अगर मैं गुहा बोलूंगी तो ज्यादा सही रहेगा, इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है एवरेज वेट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन हार्ट। किसी भी मानव का औसत जो हृदय का वजन होता है वो क्या होता है? आपने आंसर देख लिया था, तो एवरेज पूछेगा तो आपको ये आंसर देना है कि 250 ग्राम से लेके लगभग 350 ग्राम का आपका दिल होता है, और इसका जो आकार होता है,
आकार जो होता है इसका, जो लगभग साइज अगर आपसे पूछे, आपसे वेट पूछे, तो आपको ये बताना है कि आपका भार होता है और आपके मुट्ठी के जितना आपका दिल होता है, आपके फिस्ट जितना। अभी आप अपनी मुट्ठी ऐसे करके बंद करके देखोगे तो जितना आपकी मुट्ठी का जो साइज दिख रहा होगा आपको, उतना ही आपका दिल है। ठीक है, 1.5 किलो कैसे हो जाएगा, 1.5 किलो का दिल छाती में फटके बाहर आ जाएगा, 1.5 किलो का दिल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 250 से लेके 350 होता है। और आपसे अगर पूछा जाए भाई एग्जैक्ट कितना होता है, अगर आपको इसके मिड का ना दे तो आपको लिखना है 300 ग्राम। ठीक है, इन्हें 1.5 किलो का दिल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो अलग बात है तुम्हारा देवदास बनने के बाद 1.5 किलो का हो जाता होगा, देवदास बनने के बाद 1.5 किलो का हो जाता होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अभी अगर मैं बात करूं कि किसी भी वेल का जो दिल होता है, किसी वेल या शार्क का जो दिल होता है वो कितने किलो का होता है, मतलब आपसे कई गुना, लगभग 300, अगर आपका ग्राम में है तो उनका 300 किलो का होता है, 300 किलो का दिल होता है उनका। ठीक है, क्लियर है? ये हार्ट से ब्लड, ब्लड से हार्ट पहुंचाने वाली धमनी बता सकती हूँ। आशीष, अभी बेटा मेरे पास ऐसी कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलती, जो चीजें मुंह पे ही मैं बोलती हूँ कि आपके पास अभी कोई जॉब है क्या। ठीक है, तो मेरे पास अभी ऐसी फिलहाल कोई जॉब नहीं है, जितनी भी जॉब्स है वो मेरी फुल है अभी, और जो मेरे पास में अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मैं उन्हें जॉब से नहीं निकालूंगी। ठीक है, क्योंकि अपने पास में एक बार जो आ जाता है वो यहीं रह जाता है। ठीक है, तो किसी को हटा के किसी को लगाना वो नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हाउ मेनी चैम्बर्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं। और अब आपके 1500 लाइक हो चुके हैं, तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपका 1500 लाइक पे मैं आप लोगों का सेकंड केबीसी का क्वेश्चन मैं दूंगी, सेकंड केबीसी का क्वेश्चन दूंगी, और 2500 लाइक पे आपका थर्ड केबीसी का क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा। मैं 4 बार आप लोगों को मौका दूंगी। ठीक है, और आप लोगों को ये भी बताया था, ये दिल के आपके 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाला ऑरिकल होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। क्लास के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसके बाद जब तक 2500 लाइक नहीं होंगे, मतलब एक हमने गोल सेट कर रखा है कि इतने पे आएगा, तो बच्चों को पता है कि इतने पे आएगा, तब तक वो कंसंट्रेशन करेंगे पढ़ाई में। तो आपका अगला केबीसी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो इस बार के विनर रहे थे अंकित यादव जी, जिन्होंने अंकित नाम लिखा था लेकिन उनका गूगल पे पूरा नाम आ गया था, अंकित यादव जी। और लेकिन 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 हर बार केबीसी शुरू होने से पहले मैं बोलूंगी कि अगर आप इसका आनंद उठाते हैं और आपको ये सेशंस आपके काफी अच्छे लगते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेशन को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम पे पीडीएफ कल वाली जो मैंने नहीं डाली वो मैं आपकी कर देती हूँ, बैटर एंड ऑल भी मिल जाएगी। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से देखिएगा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण किसने किया था, ये आ चुका है, ये हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देना पड़ेगा, एक पीडीएफ 2 बार रिपीट हो गई है। जानवी, लिंक ओपन हो जाएगा, दोबारा ओपन होगा, हर क्वेश्चन के बाद लिंक ओपन होता है। शरीर के जोड़ों की गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है, अर्थराइटिस क्यों होता है।
आप सभी बच्चों ने गूगल फॉर्म भर दिया होगा, सभी बच्चों के पास में गूगल फॉर्म आ गया होगा, और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ऐसा होता है, एल्बुमिन के बढ़ने से ऐसा होता है, तो देखिएगा किसके बढ़ने से क्या होता है, फटाफट से देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है, बट सही दिया है, आंसर दिया है बट सही दिया है, तो कितने बच्चों ने सही आंसर दिया जरा इसके बारे में देखते हैं। लगभग अब की बार जो रेस्पॉन्स आए हैं वो बहुत खतरनाक आए हैं, 2623 रेस्पॉन्सेज आए थे आपके, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, यानी अगर किसी को अर्थराइटिस हो रहा है, ठीक है, अगर किसी को अर्थराइटिस होता है तो किसके जमाव से, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है इस वजह से ऐसा होता है, ऐसा बच्चों ने बोला है, ठीक है। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल बोला है, 322 रेस्पॉन्स एकदम से हमारे पास में आ गए, अभी भी रेस्पॉन्सेज आने लग रहे हैं, ठीक है। तो इसी इस क्वेश्चन में भी बच्चे कंफ्यूज थे, क्योंकि लगभग डी आंसर सबने ज्यादा दिया, 27% कोलेस्ट्रॉल ने बोला, 45% बोलते हैं कि एल्बुमिन के ज्यादा होने से होता है, और बी ऑप्शन यूरिया एसिड यानी यूरिक एसिड है एक्चुअल में ये, ठीक है, तो इसके ज्यादा होने से होता है। आपको पता है यूरिक एसिड के ज्यादा होने से ही आपका क्या होता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, आपको पता है। और ये बहुत सारे बच्चे हैं, देखो ये इतने सारे बच्चों ने, देखो कितने सारे बच्चों ने, ये आप बोलते हो ना कि मैम मैंने रेस्पॉन्स दिया था, देखो ये देखिए राहुल, अंकित, ये नंबर आपका, ये देखिए सूरज, मोहित, लोकेश, ऋषि, सुख, पूजा कुमारी, अनिल, सुख, विकास, एमएम, ठीक है, पूजा, सानो, स्वीटी, नीतू और एमएम, और क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सुनील और बिमल, तो आप सभी का नाम इसमें शामिल है। आप देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर दिया है, इंडिविजुअल पे जाते हैं और चेक करते हैं, और ये जो सबसे पहले आंसर है ये अंकित ने ही दिया है, अंकित दूसरी बार बाजी मार गए हैं, और मेरे हिसाब से ये वही नंबर है जिसपे मैंने पहले भी पे किया था, एंड राइट, बिल्कुल ये वही नंबर है जिसपे मैंने पहले पे किया था, और अंकित ने दोबारा से जीता है। तो अंकित हमारे केबीसी के ऐसे पहले विनर होंगे जिन्होंने दो क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल सही दिया है और सेम उस पे, तो दोबारा से अंकित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो अंकित को दोबारा से गूगल पे किया है 25 रुपीज का, ठीक है, और डन है। और इन्होंने एक मैसेज भी किया है, थैंक यू मैम, आई रिसीव्ड, कल भी ट्राई किया था दो बार, कल वहाँ ही अंकित है बट पूरा नाम नहीं लिखा, ठीक है, और ये दोबारा से इनको 25 रुपये दिए गए हैं। तो अंकित हमारे जो है वो पहले ऐसे स्टूडेंट बने हैं जिन्होंने दोनों क्वेश्चन का जवाब सही दिया और सबसे पहले दिया है, तो मतलब बहुत ही बेहतरीन है अंकित का जो है, मुझे हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, मतलब उनका मतलब नाम दिखाई दे रहा होगा अंकित, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला टारगेट है हमारा, सॉरी अगला टारगेट है हमारा 2500 पे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप पूरी जोरों तोरों से तैयार है, क्योंकि आज मैंने बोला 50 से 100 और शायद 100 से ज्यादा हो सकता है, और जिस दिन दिवाली होगी उस दिन तो आपके लिए बहुत धमाकेदार एक गिफ्ट आने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, ध्यान सुनिएगा, वेयर डज द हार्ट सेंड द डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बच्चों वो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका दिल, ठीक है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेजता है, ऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाला भी खून और O2 वाला भी खून एक ही जगह भेजता है, वो ऐसी कौन सी जगह है, फटाफट से बताइएगा। तो अंकित इनका स्क्रीनशॉट हम लोग शेयर करेंगे अपनी कम्युनिटी पे, ठीक है। तो 2500 लाइक पे आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा वो 2500 एंड लाइक्स पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे आप ठीक है, मैं एक शॉर्ट वीडियो आपकी जाह्नवी जी, और जाह्नवी जी जैसे सारे बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं केबीसी में कैसे पार्ट लेना है, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ तो आपको आंसर दिखता है, वहाँ पे एक टाइम शुरू होता है, अगर आपको आंसर पता है तो आपके ऊपर जैसे एक लिंक आया हुआ है, अभी वो लिंक ओपन नहीं होगा आपका, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होता है और अपना आंसर देना होता है। अगर आपने पहले आंसर दिया तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा, बाद में दिया तो बाकी बच्चों के बीच में आ जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका लंग्स है, वो आपके फेफड़े हैं, क्योंकि फेफड़ा एक एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपका दोनों तरह का ब्लड होता है। देखो सपोज करो मैं ये मान लेती हूँ कि ये आपका जो है फेफड़ा है, लंग्स है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरह की आपकी वेन और आर्टरी जुड़ी रहती है, बच्चों ये एक ऐसी आर्टरी होती है, ध्यान सुनिएगा, ये एक ऐसी धमनी होती है जो गंदा खून लेके जाती है CO2, और ये एक ऐसी धमनी होती है जो आपका O2 ब्लड लेके जाती है, सॉरी ये एक ऐसी शिरा होती है, ये एक ऐसी वेन होती है जो अच्छा खून लेके जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी।
बच्चों पल्मोनरी यानी शब्द का मतलब होता है, फुफ्फुस शब्द का मतलब होता है वो चीज जो आपकी किससे जुड़ी हुई, फेफड़े से जुड़ी हुई हो। तो यहाँ पे भी आपकी पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा होता क्या है बच्चों, जैसे आप सांस लोगे तो आपका C6H12O6 सांस लेते ऑक्सीजन ली तो ये CO2 आपकी बाहर निकाल देते हैं, H2 आपका बाहर निकल जाता है, ATP आपका बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आपके ब्लड के अंदर जो CO2 गैस होती है वो बाहर निकल जाती है और आपके फेफड़ों के द्वारा आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन वाली गैस आ जाती है। तो CO2 और O2 ये जो ब्लड होता है ये कहीं ना कहीं आपका हार्ट में आपके फेफड़ों द्वारा जुड़ा रहता है और ये कहीं ना कहीं अच्छा खून और गंदा खून लाने वाला जो काम है वो आपका कौन करता है, हार्ट करता है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी डेट कनेक्ट डायरेक्टली टू द हार्ट। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है जो सीधे हृदय से जुड़ी रहती है? बच्चों ऐसी कौन सी धमनी होती है, ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जो सीधे जुड़ी रहती है आप लोगों की किससे, हार्ट से? फटाफट से बताइएगा। नहीं, लिंक बहुत लेट आता है शिबू, वो एक्चुअली क्या है कि आपको हो सकता है आपको लेट दिखाई देता हो, मेरे तो आज 50 रुपये चले गए, ठीक है, और वो भी एक ही स्टूडेंट को चले गए, दोनों के दोनों अलग अलग को जाते तो अच्छा लगता, ठीक है। जल्दी बताइएगा 2500 लाइक पे अगला क्वेश्चन और सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्लड सर्कुलेशन आपने गलत बोला है बच्चों, बात की गई है आर्टरी की, तो ध्यान सुनिएगा। आपकी जो आर्टरी होती है, आपकी जो धमनी होती है वो कहीं ना कहीं हार्ट से जुड़ी रहती है और आपकी जो होती है महाधमनी, अगर आप लोगों से पूछे कोई महाधमनी, आपकी लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है सबसे बड़ी यही होती है, आपकी जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है बच्चों वो आपकी होती है एरोटा जो होती है लार्जेस्ट धमनी होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बच्चों ये आपका जो हार्ट होता है, ये आपका जो हृदय होता है, इससे जो ब्लड होता है ये आपके पूरी बॉडी में लेके जाती है, ठीक है। आपके दिल से, आपके हार्ट से जो ब्लड होता है वो आपका सप्लाई होता है बॉडी में, बॉडी के किस में, बॉडी के ऑर्गन में, बॉडी के अंग के अंदर, ठीक है, ये आपके बॉडी के अंग के अंदर संवाहन करता है, सप्लाई करता है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है? प्रणाम भाई, प्रणाम, कैसे हो भाई, हरियाणा से प्रणाम। हरियाणा में प्रणाम की जगह प्रणाम जो बोला जाता है वो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर या ईस्टर्न यूपी के अंदर बोला जाता है, ठीक है। हरियाणा वाला तो बोलता है राम राम भाई, राम राम, कैसे हो, ठीक है, तो राम राम भाई। जैसे बताइएगा महाधमनी बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट? बच्चों वो कौन सा डिवाइस है, वो कौन सा यंत्र जो होता है, ठीक है, वो आप लोगों का हृदय की गतिविधि के लिए होता है। बच्चों आपको मैं बताती हूँ लाइक क्यों बोलती हूँ, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ लाइक इसलिए बोलती हूँ ताकि ये जो सेशन है ये बहुत जगह तक चला जाए। फटाफट से बताइएगा, नहीं 2000 रुपये नहीं बोला था, 2500 रुपये बोला था, ठीक है। एक बच्चा बोलता है कि आप बेवकूफ बनाती हो बच्चों को केबीसी के द्वारा। कितने बच्चे ऐसे हैं ये मानते हैं कि ये जो आपको केबीसी करवाया जा रहा है ये आपके बिल्कुल आंखों के सामने करवाया जा रहा है, बिल्कुल फुल प्रूफ आपको के सामने है, इतना सा भी वो नहीं है कि हम बताएंगे, जिसका कमेंट पहले आएगा, बिल्कुल फुल प्रूफ आपके सामने है, बिल्कुल बच्चों आपको बता देते। मॉनिटर करने की बात की गई है और आप बता रहे हो पेसमेकर। पेसमेकर तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपका हृदय खराब हो जाए। पेसमेकर आपके दिल की धड़कन बनाता है, आपका है मॉनिटर का मतलब कोई आपको देख रहा है, आपकी गतिविधि को देख रहा है, तो बच्चों होता है ECG, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो आपके हृदय की गतिविधियों को देखता है, ठीक है। और पेसमेकर जिन बच्चों ने जवाब दिया है उन बच्चों ने गलत जवाब दिया है। जो आपका पेसमेकर जो होता है, ठीक है, वो आपकी क्या होता है बच्चों, वो आपकी क्या होता है, हार्ट बीट बनाता है, तो गतिविधि को चेक करता है। सपोज करो आप बीमार हो जाओ या कोई आपके घर में बीमार हो जाए, या कभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पे जिनकी मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना में से कोई बीमार हुआ होगा, उनको दिल में दर्द उठा होगा, तो उनको ECG करवाया होगा सबसे पहले। ECG से ये पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो सबसे पहले अगर आपके हृदय में हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो ECG में आती है। एक बच्चे ने बोला धुरीना पे क्लास क्यों नहीं हो रही? बेटा हमेशा पेड बैच सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सैटरडे संडे आपकी कभी भी क्लास नहीं होगी, और अगर आपकी कहीं बीच में छुट्टी होती है तो सैटरडे को इस्तेमाल किया जाएगा,
ठीक है, कहती बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन हार्ट बीट। बच्चों किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है हार्ट बीट का पता लगाने के लिए, आपकी हार्ट बीट देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का पता लगाया जाता है, आप लोगों से ये पूछा जाता है। फटाफट से बताइएगा उसमें क्या होता है, ईसीजी में क्या होता है, आपके ऐसे 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 हार्ट आती है, ये ग्राफ देखा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, देखो ध्यान सुनो, ईसीजी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकली, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट हृदय, और ग्राफ का मतलब होता है कि हार्ट के ग्राफ को चेक कर रहे हैं, इसलिए ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, आप सभी को पता है डॉक्टर सबसे पहले ले जाते हैं छाती पे चिपका के चेक करता है, ऐसे 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 करता है, पीछे से ऐसे ऐसे चेक करता है, तो वो क्या होता है स्थेथोस्कोप जो होता है वो हार्ट बीट सुनने के लिए होता है, हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए होता है। कहती बात समझ में आई, देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हार्ट बीट हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगले क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा जाता है अ डिवाइस दैट इज प्लेस्ड इन द चेस्ट, एक ऐसा डिवाइस है जो चेस्ट पे छाती पे धर दिया जाता है बिल्कुल, ठीक है, एब्डोमन टू हेल्प कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट रिदम बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस नोन एज, एक उपकरण जिसे छाती या पेट के विद्युत संपादों का उपयोग करके असामान्य हृदय ताल को नियंत्रित करने में मदद के लिए रखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट से बताइएगा, जल्द से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, जैसे बताइए फटाफट से बताइए, बहुत सारे बच्चों के जो है ना आंसर देख रही हूँ मैं, फटाफट से बताइएगा। यहाँ पे अब आप फिर ईसीजी बोलोगे, ईसीजी नहीं है, छठ पूजा की छुट्टी होगी, हाँ छठ पूजा की भी छुट्टी रखेंगे, अभी क्या है कि कम से कम 4 दिन की तो छुट्टी होगी पेड बैच की, यूट्यूब पे बीच में आते रहेंगे, दिवाली की तो छुट्टी आपकी रहेगी, आप सभी को पता है, ठीक है, जैसे बताइएगा। पेसमेकर, ओके, और कुछ बच्चों ने बोला है स्टेथोस्कोप तो चेक करता है हार्ट बीट कितनी है, और अगर आपके क्या कहते हैं मतलब मॉनिटर करने के लिए आपकी हार्ट बीट चल कैसी रही है उसके लिए ईसीजी इस्तेमाल किया जाता है। पेसमेकर सीपीआर गलत है बेटा, देखो ध्यान से सुनो, इसने बोला कि आपकी छाती में रख दिया जाता है, तो छाती में रख दिया जाता है ताकि आपकी एबनॉर्मल हार्ट बीट को ठीक किया जा सके, तो वो यूज किया जाता है पेसमेकर। क्या यूज किया जाता है? पेसमेकर यूज किया जाता है, पेसमेकर, गलती से ग्रीन पेन में लिख दिया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है पेसमेकर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो पेसमेकर होता है इसको हम लोग बोलेंगे कृत्रिम पेसमेकर, आर्टिफिशियल यूज किया जाता है। कहाँ लगाया जाता है आप सभी को पता है, इसका जो लोकेशन होता है जहाँ पे ये लगता है, तो वहाँ कहाँ लगेगा, आपका एस ए नोड पे लगेगा, और जो इसका पेस सेटर जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, पेस सेटर आप लोगों से पूछे कहाँ लगाया जाता है, तो आप बोलोगे कि ये लगाया जाता है ए बी नोड पे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जितने बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ा, आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने आप ही ऐड हो जाओगे। आप सभी बच्चे अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, मेरे द्वारा एक ऑटोमेटिक लिंक भेजा गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे फिल कर सकते हो। और मेरे हिसाब से कौन बनेगा करोड़पति जीतने का तुम लोगों को शौक ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं है, क्योंकि अगर शौक होता तो अब तक तो 2500 लाइक हो ही जाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू किडनी। अरे ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसे लिख लो, अब की बार तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बहुत कौन सी रक्त वही का रक्त को हृदय और गुर्दे तक जोड़ती है, मतलब रक्त को हृदय से गुर्दे तक ले जाती है, हार्ट से किडनी तक कौन लेके जाता है, ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बेस्ट बुक मेरी आने वाली है, टेंशन मत लो, आरपीएससी के लिए तुम टेंशन मत लो, आरपीएससी ग्रेड के लिए ना भाई धर्मा तुम टेंशन मत लो, दिवाली के बाद तक इंतजार करो, जो अभी आपको अगर मैं अपने मुंह से एक बात बोलूंगी शायद तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, लगभग 2000 बच्चों ने पहले ही किताब की बुकिंग कर दी है, पहले ही 2000 बच्चों ने, लगभग अराउंड 1900 कुछ 2000 का डाटा मेरे पास आ जाया था, जिन्होंने पहले ही बुकिंग कर दी, जिनके नंबर हमारे पास आ गए हैं, और उन्होंने बोला है कि जब बुक आएगी तो सबसे पहले हमारे पास आपको डिलीवरी करनी है, राय बुक शॉप का डाटा निकल के आया है,
उन्होंने अपने कंप्यूटर में फीड किया है कि मैम 2000 हम परेशान हो गए हैं, आपकी बुक कब आ रही है, 2000 बच्चों का लगभग डाटा हमारे पास आ चुका है जो बुक मांग रहे हैं, जिनको सबसे पहले हमें देना है, आपको किसी दुकान पे किताब नहीं देनी है, कहीं नहीं देनी है, सबसे पहले किताब हमारी दुकान पे रखनी है, राय बुक शॉप वाले ने बोला है। तो ये हाल मचा पड़ा है, मतलब मारा मारे हो रखे किताब के लिए। देखो ध्यान से सुनिए, गलत बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी इसका राइट आंसर है, रीनल धमनी इसका राइट आंसर है। तो कितने बच्चों ने रीनल धमनी आंसर दिया, ठीक है। रीनल जो होता है वो गुर्दे, मतलब गुर्दे से रिलेटेड है, गुर्दे से रिलेटेड, गुर्दे वाली क्या किडनी वाली जो धमनी होती है तो वो रीनल धमनी होती है। रीनल धमनी क्या होती है, ये बच्चों हार्ट से किडनी तक ब्लड लेके जाती है, हार्ट से किडनी तक ब्लड ले जाने का काम आपका रीनल आर्टरी करती है। कौन करती है, रीनल आर्टरी। और जिन बच्चों ने रीनल आर्टरी जवाब दिया बेटा, वो अध्ययन कर रहे हैं अपनी बात पे, वो मेहनत कर रहे हैं, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ब्लड ग्रुप और ब्लड सर्कुलेशन वाले आंसर में ही समझ गई थी कि कहां पे गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, मेहनत कर रहे हो। द कंडीशन ऑफ लोअरिंग हार्ट बीट देन नॉर्मल इज नोन एज, दिल की धड़कन सामान्य से कम हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। अगर आपकी दिल की धड़कन नॉर्मल कंडीशन से और ज्यादा कम हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए बच्चों, अगर आपकी कम हो जाते, देखो कार्डिया जो शब्द है वो रिलेटेड है, ठीक है, कार्डिया जो शब्द है वो रिलेटेड है आपके हार्ट से, और इसका जो आंसर होगा वो बहुत कम बच्चों को पता है, नहीं, इसका राइट आंसर होगा ब्रेडी कार्डिया, ठीक है, कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ब्रेडी कार्डिया। अब बहुत सारे बच्चों ने बोला है हाइपोटेंशन, बहुत सारे बच्चों ने भी दिया है हाइपोटेंशन। बच्चों आपका हाइपोटेंशन जवाब तब दिया जाता है जब आपका जो बीपी है, जब आपका जो बीपी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, लेस हो जाए, तब हम बोलेंगे उसको हाइपोटेंशन हो गया है। क्या हो चुका है, हाइपोटेंशन हो गया है। बच्चों हाइपोटेंशन आपको तभी होगा जब आपकी हार्ट बीट कम होगी, नॉर्मल से कम होगी तब हाइपोटेंशन होगा। आपसे पूछा गया है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपका अगर बीपी कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे, नहीं, आपसे पूछा गया अगर आपकी हार्ट बीट कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेडी कार्डिया। क्या बोलेंगे, ब्रेडी कार्डिया, ठीक है, याद रखना है। नहीं आ रहा, दिख रहा, मेरा स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा, ब्रेडी कार्डिया। मंद नाड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है, मंद नाड़ी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा था कि अगर आपका जो हार्ट बीट है, ध्यान सुनिएगा, आपका जो हार्ट बीट है, आपके जो हृदय की धड़कन है, हृदय की आपके जो धड़कन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए तब। और नोट, अगर आपसे कहे कि आपका जो बीपी है, आपका जो बीपी है वो कम हो रहा है, तब आप जवाब दोगे हाइपोटेंशन। समझ में आ गई, हार्ट बीट कम होती है तब हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन की वजह से हार्ट बीट कम नहीं होती, ठीक है, कहती बात समझ में आई, क्लियर है। एक बच्चे की गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, मैम आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी के बारे में बताया, मैम आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई भी सर्जरी होती है तो आपको बस अपना खाना पीना अच्छा रखना है और आपको रेस्ट करना है क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है, ठीक है, तो आपको थोड़ा रेस्ट करना है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, पीसीएस के लिए सफिशियंट है, लेकिन आप बैच 3 लीजिएगा रोहित मीना जी, क्योंकि बैच 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बैच 2 जो है रोहित जी वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रिया मैम इज अ रॉन्ग टीचर, ठीक है भैया, मैं बहुत गलत टीचर हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, फिर भी बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं और मुझे गुरु माँ बोलते हैं, मैं क्या करूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। द कंडीशन ऑफ द लो ब्लड प्रेशर फ्रॉम नॉर्मल, बच्चों अगर लो ब्लड प्रेशर हो जाए नॉर्मल से तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं, इसको हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं, अभी करवाया। अगर लो बीपी हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, राजू बाबू पूछ सकते हो, क्वेश्चन सब पूछते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेंशन, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हरीश, हाइपोटेंशन बोलते हैं, कहती बात समझ में, हाइपोटेंशन बोलते हैं। मुकेश कुमार केबीसी के बारे में दोबारा बताया जाएगा, ठीक है, दोबारा बताया जाएगा, अभी बताया था इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, विच ब्लड वेसल कैरी द फिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम किडनी टू हार्ट, कौन सी रक्त वाहिका फिल्टर्ड रक्त गुर्दे से हृदय तक ले जाती है। अब देखो यहां पे फंसे तुम, अभी तक तो तुम्हें पता था कि अगर हार्ट से किडनी में जाए तो क्या बोलेंगे, अब किडनी से वापस हार्ट में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए, उस वेसल को क्या बोलेंगे जो किडनी से वापस दिल के पास में फिल्टर करके ब्लड ले जा रहा है, फटाफट से बताइएगा। सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूले,
2500 लाइक पे, 2500 लाइक पे आपका अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट्सएप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको एक लिंक दिया जाएगा जिससे आपको डायरेक्टली रख दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। बहुत सारे बोल रहे हैं रीनल आर्टरी, आय हाय हाय हाय, कितनी जल्दी से बोला रीनल आर्टरी, हाँ हाँ। अब गलत बोल रहे हो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रीनल वेन, इसका जो राइट नाम सही है, इसका जो आंसर होगा वो होगा रीनल वेन, रीनल शिरा, रीनल वेल होगा, रीनल शिरा होगा। तो रीनल सही है लेकिन आर्टरी गलत है, रीनल सही है लेकिन पल्मो जो शब्द होगा वो आपका फेफड़ों से जुड़ा होगा और रीनल जो शब्द होगा वो आपका आर्टरी से जुड़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीनल आर्टरी। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको ये जानना जरूरी है कि दो लोगों के बीच में संबंध क्या होता है, दो लोगों के बीच में संबंध क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से आपको संबंध जानना जरूरी है, कौन खून लेके आ रहा है, कौन खून दे रहा है, फेफड़ों से जुड़ी रहती है उनको क्या कहते हैं। और एक नोट करके बात ध्यान से सुनिएगा, एक नोट करके बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि आपका जो हर्ट है, आपका जो हृदय है, अब इससे अगर ब्लड जो है वो किडनी पे जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो किडनी तक लेके जाता है आपका, लेके जाता है रीनल, लेकिन रीनल आपका आर्टरी लेके जाती है, रीनल आपकी धमनी लेके जाती है, ठीक है। अब नोट, अगर आप लोगों से कहा जाए कि आपका जो ब्लड है वो किडनी से जा रहा है आपके हार्ट में, आपके किडनी से जा रहा है आपके हृदय में, तो आपके किडनी से हृदय में लेके जा रहा है आपका रीनल ही लेके जा रहा है, लेकिन आपकी रीनल वेन लेके जा रही है, आपकी रीनल शिरा लेके जा रही है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये आता है कि मैम आर्टरी का काम तो शुद्ध रक्त ले जाने का होता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे आपको बता दूं कि पल्मोनरी आर्टरी कभी भी प्योर ब्लड लेके नहीं जाती, वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लोकेश मीना का यही क्वेश्चन है, बिल्कुल लोकेश मीना का क्वेश्चन आया कि मैम आर्टरी जो धमनी होती है वो तो प्योर ब्लड लेके जाती है, लेकिन अगर लोकेश मीना मैं ये कहूँ कि पल्मोनरी फूफश धमनी हमेशा CO2 ब्लड लेके जाती है, तो ये धोखा मत खाइएगा कि अगर इसके नाम के आगे आर्टरी जुड़ गया है तो ये CO2 ब्लड लेके जाएगा, ये धोखा मत खाइएगा। ये आपका जो लेके जाता है, ये आपका लेके जाता है इम्प्योर ब्लड, ये आपका इम्प्योर ब्लड लेके जाता है, ये आपका अशुद्ध रक्त लेके जाता है, अशुद्ध रक्त, ये धोखा मत खाइएगा। एक बच्चे ने भी मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम इसको प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, ये आपका प्योर ब्लड लेके जाती है। तो आज आपको क्या सीखने को मिला जल्दी बताइएगा, ये क्या सीखने को मिला, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त वाली जो बात बताई है वो मैंने बताई, नहीं दंगल जी मैं अपने चैनल पर पढ़ाती हूँ, किडनी वाला मामला उल्टा होता है। आ गया रोहित मीना जी, आप चेक कीजिएगा बैच, जो नया बैच चल रहा है वो बैच 3 चल रहा है। बच्चों वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, इन बच्चों का पहला क्लास है। और ये आपको बता दूं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, करना है, ठीक है। मैं हमेशा याद रखिएगा, जब भी मेरा पेड बैच होता है तो अपने पेड वाले बैच वाले बच्चों से एक बात कहती हूँ कि आप पढ़ो पेड बैच, लेकिन आप कभी भी ये वाली क्लास नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ। चाहे आप पेड बैच में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आपको ये वाली क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये हमेशा कहती हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ऐसी ऐसी चीजें आपको नोट करनी है, आज आपको मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजें करवा रही हूँ। बच्चों किस जानवर के हार्ट को वीनस हार्ट के नाम से जाना जाता है, किस जानवर के हार्ट को वेनस हार्ट के नाम से जाना जाता है, किस जानवर के हार्ट को वेनस हार्ट के नाम से जाना जाता है, फटाफट से बताइएगा, किस जानवर के हार्ट को वेनस हार्ट के नाम से जाना जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी, उसको हम लोग जानवर बोल रहे हैं लेकिन वो मछली होती है, और उस मछली का नाम होता है, कुछ नहीं होता, वो मछली होती है, याद रखिएगा। मछली के दिल को हम लोग वेनस हार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो चैम्बर होते हैं, चैम्बर की अगर मैं बात करूँ, मछली के चैम्बर की बात करूँ, मछली के कोष्ठक की बात करूँ, तो इनके कोष्ठक 2 पाए जाते हैं। आई एम राइट, क्या मैं सही हूँ, ठीक है। केबीसी कैसे खेला जाएगा, इसके लिए आपको 2500 लाइक हो जाएंगे तब मैं बताऊंगी, तो जल्दी से 2500 लाइक करो, केबीसी का क्वेश्चन आ जाएगा। मछली का होता है, क्रोकोडाइल का नहीं होता,
मछली का हार्ट वेनस हार्ट बोला जाता है, दो चैंबर होते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है जार्विक सेविन क्या होता है, जार्विक सेविन क्या है, अगला क्वेश्चन है जार्विक सेविन क्या है, जार्विक सात क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, जार्विक सात क्या है आप लोगों से ये पूछा गया है, जार्विक सात क्या है। अभी आज हरियाणा का पेपर हुआ है कांस्टेबल का, उसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टॉम एंड जेरी, ठीक है, मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम लाइव आए, बहुत 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 शुक्रिया फर्स्ट टाइम लाइव आने के लिए, ठीक है, ओके प्रतिम, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जार्विक सेविन जो है बच्चों को, पहला जो आर्टिफिशियल हार्ट है, आर्टिफिशियल बच्चों ये एग्जाम में आ चुका है, आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है, ठीक है, आपका जो कृत्रिम हृदय है, आपका जो कृत्रिम हृदय है उसको हम लोग जार्विक सेविन बोलते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट को जार्विक सेविन बोला जाता है, कृत्रिम हृदय को जार्विक सेविन बोला जाता है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, थैंक यू सो मच, अगर मुझे नहीं भी बोलोगे अच्छा नहीं पढ़ाती मैं तब भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, मैं भगवान नहीं हूं जो सबको खुश कर दूं। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ हार्ट और हार्ट रिलेटेड डिसीज इज नोन एज, हृदय या हृदय से संबंधित रोगों की स्टडी को क्या कहते हैं, हृदय या हृदय से संबंधित स्टडी को क्या कहते हैं, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। 2500 लाइक और अगला क्वेश्चन, 2500 लाइक और अगला क्वेश्चन, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को सेशन को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, तुम लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अभी मैं आपको नियम बता देती हूँ, जितने बच्चे भी मेरे यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, और आज आपको अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा, आज आपको चार बार जीतने का मौका मिला है, लेकिन चार बार जीतने के लिए आप लोगों को सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा रे बाबा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे केबीसी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आने के बाद में आपको एक मिनट दिया जाता है, और एक मिनट देने के बाद में आपको ऊपर एक लिंक आता है, जो आपको नीले कलर का ऊपर बैंड दिखाई दे रहा है, साइंस बाय प्रिया मैम के आगे शेयर सब्सक्राइब दिख रहा है, वहां पे एक लिंक आता है, उस लिंक पे आपको जाके क्लिक करना होता है, उस ऊपर वाले लिंक पे जाके जब आप क्लिक करते हो तो आपको गूगल फॉर्म मिलता है, जहां पे आपको अपना आंसर भरना होता है, और जिसका आंसर सबसे पहले आता है वो विजेता होता है। तो आइए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब 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 करने से क्या होता है कि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये आपकी क्लास है, ठीक। चलिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो तीन और ये चौथे नंबर की वीडियो चलाएंगे, दो वीडियो एक जैसी हो गई है। आर यू रेडी, आर यू रेडी, सबसे पहली बात बताइए क्या आप लोग तैयार हैं, आर यू रेडी फॉर द क्लास, क्या आप लोग तैयार हैं, आर यू रेडी फॉर द क्लास, आर यू रेडी फॉर द क्लास, 2600 लाइक तो कर दो, आर यू रेडी फॉर द क्लास। तो केबीसी के बारे में मैंने बता दिया है, नहीं मेरा एप्लीकेशन भी है लुरीना ऐप पे, मेरा बैच भी चलता है, ओके सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नहीं सॉरी तीसरे नंबर का क्वेश्चन, अब की बार अंकित नहीं जीतना चाहिए, याद रखिएगा। Which pigment is found in the bush? गूगल फॉर्म आ गया है, जल्दी से क्लिक करो, ऊपर ब्लू रंग का गूगल फॉर्म आ गया है, फटाफट क्लिक, क्लिक इट फटाफट से। अब देखते हैं गूगल फॉर्म आ चुका है आप लोगों के पास, और देखते हैं कितने बच्चों ने
बिल्कुल सही आंसर दिया है। और अभी तो आप लोगों का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्योंकि आज मैंने कहा था कि आपको जीतने का मौका मिलेगा एक से ज्यादा बार। आज आप लोगों के चार क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन आप अभी तक कर चुके हैं, तो इसलिए निराश ना होइएगा, क्योंकि एक मौका आपको एक बार और मिलेगा, एक मौका और मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। और देखते हैं कौन बताता है। इसमें था शलकाओ में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है, विच पिगमेंट इज फाउंड इन द बार्ड्स, कैरेटीन, रेटिनिन, मेलेनिन, फोटोसाइनिन। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आंसर जो आया है वो बीच से का आया है, कि कैरेटीन बोल रहे हैं, रेटिनिन बोल रहे हैं, मेलेनिन बोल रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो जरा देखते हैं कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। सबसे फास्ट यानी जो एक मिनट के अंदर जो बच्चे एक मिनट के अंदर फॉर्म फिल करते हैं ना, वो स्टूडेंट्स जो है आपके 267 के करीबन है, जो बहुत जल्दी फॉर्म को फिल कर देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ब्राइटनेस को कम कीजिएगा, तो ब्राइटनेस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्राइटनेस कम हो रही है और आपको दिखना चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो मुझे अपने आप को, मेरे को तुमने बहुत ज़्यादा काला कर दिया, ठीक है। और ब्राइटनेस बहुत ही कम कर दिया कि बोर्ड को डार्क करना पड़ गया। वो एक्चुअली में क्या है कि वो शब्द बहुत छोटे लिखे हुए हैं, वो वर्ड्स बहुत छोटे लिखे हुए हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सेज की अगर मैं बात करूँ, तो रेस्पॉन्सेज आए हैं आपके लगभग 338 रेस्पॉन्सेज आए हैं, और यहाँ पे मैं जाऊँ रेस्पॉन्स के बाद 342। इसमें सबसे ज़्यादा जो आंसर दिया है वो रेटिनिन दिया है 30%, और कैरेटीन दिया है आप लोगों का 25%, फोटोसिन दिया है आप लोगों का 15%, और कैरेटीन सबसे ज़्यादा आंसर कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला 26%, 28%। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है थोड़ा सा गलती करके मेलानिन आंसर सबसे ज़्यादा दिया है। स्किन, ह्यूमन के स्किन, मानव के त्वचा के बारे में थोड़ी ना बात की जा रही है। तो ए एक बच्चा है राहुल, ए सी अंकित, मोहित, मनीष, आकांक्षा, लव, कुश, दीपू, ठीक है। ये बच्चे सोनू, प्रवीण, ए के, अमित, दीपू, कविश, दिलीप, शालिनी, सुमित सोलंकी, रामजी, मुकेश, और ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जवाब दिया है, कन्हैया, गौरव, लालू, संगम, सुरेश, नव्या। अब आप सभी आंसर दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं सबसे पहला आंसर किसने दिया है फटाफट से। तो सबसे पहला आंसर जो सही अगर किसी ने दिया है, तो कैरेटीन आंसर दिया है लोकेश ने, लेकिन ये आंसर गलत है। तो सबसे पहला आंसर देने वाला लोकेश है, लेकिन उन्होंने आंसर कैरेटीन दिया है, ये आंसर गलत है। देखते हैं दूसरा बच्चा कौन है जिसने आंसर दिया है फोटोसाइन। आज मजा आने वाला है, सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतना मजा आने वाला है कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अब तक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, लेकिन ओके गलत दिया है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो फोटोसाइनिन जो आंसर दिया है, एंड ये आपका क्या कहते हैं राहुल ने आंसर दिया है जो गलत दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लोकेश और राहुल का क्वेश्चन गलत है, इन्होंने पहले आंसर दिया पर क्वेश्चन गलत दिया है, आंसर दिया है गलत। और मेलानिन, अरे भाई साहब, ये ए नाम का कोई बच्चा है जिन्होंने मेलानिन आंसर दिया है, लेकिन उन्होंने भी आंसर गलत दिया है, ठीक है। अब देखे आज मजा आने वाला है, सारे बच्चे बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीपी लो हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीन बच्चों ने आंसर सबसे पहले दिया, लेकिन तीनों ने आंसर गलत दिया है। अब चौथे नंबर का जो बच्चा है उसके बारे में देखते हैं, मजा आ रहा है भैया, चौथे नंबर का बच्चा नहीं आ रहा क्या? हाँ, ओ चौथे नंबर का बच्चा है कविश, कविश ने भी आंसर गलत दिया है, कविश ने भी आंसर गलत दिया है, तो कविश भी विजेता नहीं है। पांचवें नंबर का बच्चा देखते हैं, भाई साहब पांचवें नंबर का बच्चा भी गलत है, पांचवें नंबर का बच्चा है मोहित, उसने भी आंसर गलत दिया है, ठीक है, मोहित ने भी आंसर गलत दिया है पांचवें नंबर का। अब तक पांच बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो गलत है, छठा बच्चा जो है वो है आपका अंकित, और इसने भी गलत आंसर दिया है, अंकित ने भी गलत आंसर दिया है। सातवां बच्चा कौन है भाई साहब? सातवां बच्चा भी करण, करण गलत आंसर है। ओ तेरी भाई साहब, ये क्वेश्चन कितना खतरनाक बन चुका है इस टाइम पे, क्वेश्चन इतना खतरनाक बन चुका है, कितना खतरनाक क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मतलब अगला बच्चा आप लोगों के सामने, ओ तेरी, एम के आंसर गलत है, चंदन आंसर गलत है, ओ ऋषि आंसर गलत है, मोहम्मद सानू आंसर गलत है,
मनीषा आंसर गलत है, इसका राइट आंसर जो है वो बी है। और एक बच्चा आ चुका है हमारे पास में जिसने आंसर सही दिया है, तो लगभग कितने 13 बच्चों के बाद आंसर सही आया है, 13 स्टूडेंट्स के बाद में आंसर सही आया है। तो आज आपको यह भी पता लग गया होगा कि जो भी चीजें होती है वो बिल्कुल सच दिखाई जाती है। तो 13 स्टूडेंट के बाद लगभग 386 बच्चों ने फॉर्म भर दिया था 30 सेकंड के अंदर 388 बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें 13 बच्चों का आंसर यानी 13 बच्चों का आंसर गलत था। और 13 बच्चों का आंसर गलत था, उस 13 के बाद में जो बच्चा आया जिसने रेटिनिन आंसर दिया, जो कि आंसर सही है, बी आंसर सही है, उस बच्चे का नाम है राकेश सहारन नाम है। गजब भाई साहब गजब, राकेश सहारन का जो आंसर है वो सही है। तो अब राकेश सहारन जो यूज़ करते हैं गूगल पे यूज़ करते हैं, हम लोग भी गूगल पे ज़्यादा यूज टू है। नितिन ने बोला गूगल फॉर्म मेरे पास नहीं आता, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास में पर्टिकुलर गूगल फॉर्म आएगा, आपके ऊपर लिंक दिया गया उस पर आपको क्लिक करके भरना होता है गूगल फॉर्म। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ये बताइएगा, सारे बच्चे बताइएगा आज का क्वेश्चन कैसा लगा, कि मतलब 13 बच्चे भी क्वेश्चन नहीं दे पाए, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए 13 बच्चे। एंड राकेश सहारन ने मतलब बड़ी तसल्ली से अपने नाम के आगे भी अपना नंबर डाला है, ठीक है, और क्या कहते हैं वैसे भी अपना नंबर डाला है, क्या बात है राकेश सहारन जी। मतलब आपको पता था कि आप जीतोगे आज, तो मतलब आरएस कॉन्सेप्ट के नाम से इनका नाम आ रहा है, ठीक है, आरएस कॉन्सेप्ट के नाम से इनका नाम आया है। एंड ये 25 रुपये के विजेता है, एंड ट्रेनिंग आरएस कॉन्सेप्ट के नाम से आपका नाम आया है, आपका पूरा नाम है राकेश सहारन और आपको पेटीएम हो चुका है, डन। सो दिस इज़ योर पेटीएम, ये आपका पेटीएम है और ये आपका पेटीएम हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा मज़ा आया कि आपका ये देखिए आरएस कॉन्सेप्ट के नाम से आपका नाम आया है, 50 रुपये पेटीएम हो चुके हैं, सॉरी 25 रुपये पेटीएम हो चुके हैं। और ठीक है, थोड़ी सी हमें ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो लाइट का जो इफेक्ट है फिर वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैसे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप गोरे हो या काले हो, ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज़ पूछते हो तुम लोग कि मैम आप वीडियो में तो गोरे आते हो, कैमरे की क्वालिटी हम ज़्यादा ब्राइट करके नहीं रखते ताकि बच्चों को दिख जाए, क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो क्वेश्चन को देख रहे थे, मज़ा ले रहे थे। अब आपको बता देते हैं कि आपका एक चौथा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, 14th जो है क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन आने वाला है, धुरीना ऐप है, अजब गजब जी धुरीना ऐप है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो हार्ट की डिसीज़ होती है, अगर आप किसी को भी हार्ट की डिसीज़ होती है तो वो जो चेक किया जाता है वो किससे चेक किया जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, वो चेक किया जाता है आपका कार्डियोलॉजी से, आपका चेक किया जाता है कार्डियोलॉजी से। तो ये क्वेश्चन हमारा अधूरा रह गया था। अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड संबंधित रोग होता है तो जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट होता है, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो होता है कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो आपके हृदय से रिलेटेड यानी हार्ट रिलेटेड जो डिसीज होती है उसको देखता है। और 3000 लाइक पे आपका चौथा क्वेश्चन आएगा, 3000 लाइक पे आपका चौथा क्वेश्चन आएगा, फोर्थ क्वेश्चन जो आएगा आपका वो आएगा आपका 3000 लाइक पे, तो 300 लाइक आप दूर हो, ठीक है। तो कितने बच्चों को ऐसा लगा है अभी आपने आंखों के सामने, कितने बच्चों को ऐसा लगा है ये देख के कि जो भी हमारे सामने है वो बिल्कुल सच है। 900 से प्लस मुझे बच्चे अभी 1.5 घंटे से देख रहे हैं और वो प्लीज कमेंट करके बताएं, मेरी दिल से दुआ है कि मैं जानना चाहती हूं कि जो मैंने इतनी मेहनत की इस कॉन्सेप्ट में, ये जो जितनी खुशी मुझे हो रही है इस कॉन्सेप्ट को लेके, जितनी मेहनत मैंने इस कॉन्सेप्ट को ले की है वो आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल है और उसमें सच है, उसमें एक सच्चाई है, ठीक है। मनीष गौतम ने बोला मैम 12th वालों का बायोलॉजी कब पढ़ाओगे, बेटा मैंने दिवाली के बाद बोला हुआ है आपको मनीष, और मैं स्टार्टिंग में ही बताती हूँ कि दिवाली के बाद से शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका एक किंगडम, ये जो है आपके चैप्टर्स मुझे पढ़ाने हैं, ठीक है। 3-4 चैप्टर है जो अब की बार बोर्ड ने ऐड किए हैं, बाकी का तो आधा ही सिलेबस ऐड हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मेम्ब्रेन डेट कवर द ह्यूमन हार्ट इज नोन एज, हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाई जाती है, ठीक है, हृदय को ढकने वाली झिल्ली, ठीक है, क्या कहलाई जाती है। अब वो अलग बात है जो सच ना बोलने वाले बोल रहे हैं, अब जिनको पता है कि गूगल फॉर्म का लिंक फिल करते हैं, देखो बेटा अगर ऐसा होता तो हर बार अलग अलग नाम नहीं आते,
ठीक है, आज तो मौज हो गई, सच में मौज हो गई। आज तो कम से कम 13 मतलब 13-14 बच्चों के बाद तक भी आंसर सही नहीं आया था। जैसे बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को कवर करके रखती है, वो कौन सी मेम्ब्रेन है जो हार्ट को मानव के हृदय को कवर करके रखती है। ठीक है, जैसे बताइएगा। अब तक 2 पेमेंट अंकित को जा चुकी है, 1 पेमेंट आरएस को जा चुकी है और 1 चौथा क्वेश्चन अभी आपका आने वाला है। जिन बच्चों का सही था बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों का सही नहीं था, पेरिकार्डियम तो बिल्कुल सही आंसर लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है। मैं क्वेश्चन के सामने से जानबूझ के हट जाती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, कार्डियोलॉजी स्टडी होती है और पेरिकार्डियम बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों देखो, पेरिकार्डियम जो होती है वो एक झिल्ली होती है जो दिल को कवर करके रखती है। देखिए ध्यान सुनिएगा, कार्डियम शब्द का मतलब क्या है? कार्डियम शब्द का मतलब है हार्ट से, और पैरी जो होती है झिल्ली, तो जो हार्ट की झिल्ली होती है, जो हार्ट की मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। डिसलाइक कौन करता है, कोई बात नहीं जानवी, टेंशन मत लो। तो हार्ट की जो झिल्ली होती है मतलब उसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर आप 3000 लाइक करोगे तो हम अपना अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी रखने वाले हैं और साथ ही साथ केबीसी का भी रखने वाले हैं। सेशन को जितना जोरदार तरीके से लाइक भी किया जाए, शेयर भी किया जाए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया जाए तो मजा आ जाता है। ठीक है, विच एनिमल हार्ट कंसिस्ट ऑफ 13 चैम्बर? ओ भाई साहब, किसके 13 चैम्बर होते हैं? यहां तो 4 नहीं संभल रहे, यहां तो जब दिल के 4 चैम्बर हो जाते हैं, ठीक है, तो दिल क्या होता है, उछल उछल के दूसरे के पास जाने लग जाता है। तो भाई साहब जिसके 13 होंगे उसका क्या होगा? यहां तो तुम्हारे 4 चैम्बर हृदय के संभाले नहीं जा रहे, जिसके 13 होते होंगे उसका क्या होता होगा? तो 13 चैम्बर किसके होते हैं जल्दी से बताइएगा। और 3000 लाइक पे आपका अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन भी 3000 लाइक पे आएगा और केबीसी का क्वेश्चन भी अगले उस पे आएगा। एक बच्चा कह रहा है कुत्ते का होता है, फ्रॉग का होता है, शार्क का चार ही होता है, 300 किलो वजन होता है, चार ही होता है, फिश के दो होते हैं। कॉकरोच। बच्चों कॉकरोच के बारे में एक बात बताना चाहती हूं, बताओ बच्चों, कॉकरोच का जो टाइम है, कॉकरोच जो है आप लोगों का डायनासोर के टाइम का जीव है आपका कॉकरोच। लेकिन डायनासोर उस इन्वायरमेंट में, उस इकोलॉजी में ढल नहीं पाए जिस इन्वायरमेंट इकोलॉजी में अपने जीन्स को क्या किया, म्यूटेशन कर करके कॉकरोच बच गए। कॉकरोच उस टाइम के हैं। कैचवा गलत है। तो कॉकरोच के कितने हृदय के चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं? तो कोष्ठक की अगर बात की जाए, चैम्बर की अगर बात की जाए, तो इसके चैम्बर होते हैं 13। मछली के चैम्बर होते हैं 2, 4 आपके शार्क के होते हैं और वेल के होते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं जो आपका मैमल होता है उसके होते हैं। तो क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? तो आपको अगले क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको बस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और आपके कम से कम अगर 3000 लाइक हो जाएंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। 3000 लाइक पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अगला क्वेश्चन भी 3000 लाइक पे आएगा और केबीसी भी 3000 लाइक पे आएगा। तो बबुआ 3000 लाइक, सेशन को शेयर और सब्सक्राइब, ये दोनों आपको करना है। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, और जिस दिन आपकी दिवाली होगी उस दिन आपको बहुत ही अच्छा गिफ्ट हम दिवाली पे देंगे। दिवाली पे आपको बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, टेंशन मत लो। और जिनके बच्चों के पास मोबाइल नंबर है लेकिन उनके पास में पेमेंट मेथड नहीं है, तो वो अपना मोबाइल नंबर छोड़ दे, ठीक है। पेमेंट मेथड हमें तुरंत पता लग जाता है कि नहीं है, और हम आपको फ़ोन करके आपका पेमेंट मेथड भी पूछ लेंगे, पड़ोसी के फ़ोन में भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा, हम आपको कॉल भी कर लेंगे, ठीक है। प्रदीप जी आप डेली क्लास देख लीजिएगा, हो जाएगी। आ ना बाबा ना, कम से अभी अभी बाकी है, अभी बाकी है मेरे बच्चे,
अभी 3,000 बाकी है मैम, इंडिया हार गया। ओ तेरी, इंडिया हार गया तो फिर वो तो बाहर हो गया होगा, नाक कटा दिया तो यार इंडिया वालों ने, पहले पाकिस्तान से हार गए और फिर अब भाई दिमाग खराब हो गया, दिमाग की सड़ गई बिल्कुल एकदम से। वो गिफ्ट आपके लिए सरप्राइज है। थैंक यू गुरेंद्र। मनुष्य के चार चैम्बर होते हैं, 3,000 लाइक और आपका क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा, ठीक है मनीष। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लास नहीं दिख रही है तो मनीष आपको एक काम करना है, आपको धुरीना के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, अपनी ऐप को अपडेट करना है और वहाँ से पूछना है कि मैम की क्लास क्यों नहीं दिख रही है। सैटरडे संडे हमेशा क्लास आपका ऑफ रहता है। 3,000 लाइक, केबीसी का अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। और जैसे कि आप सभी को पता है, एक बात और मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन बैच है जो 499 का है, मंथ एंड का ऑफर चल रहा है, इससे ऊपर और बैच बढ़ जाएगा। क्रैश कोर्स आपका लेके आएंगे जिस दिन ग्रुप डी का एग्जाम आ जाएगा, उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी, उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। और यूट्यूब पे 12th क्लास की जो क्लासेस है वो आपकी 7 बजे होगी, और यूट्यूब पे पेपर 2 की जो क्लासेस सीटेट एसटेट वगैरह सबकी 9 बजे हुआ करेगी। और आपको इस क्लास की पीडीएफ साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और आपका अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, आपका अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। सबसे पहली बात, क्या सारे बच्चे तैयार हैं? क्या सारे बच्चे तैयार हैं? आर यू रेडी? अब जिन बच्चों को इस क्लास के रूल नहीं पता, मैं दोबारा से बता देती हूं कि जब यह आपका शुरू होता है केबीसी, तब आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, जहां पे आपको ऊपर जहां पे आप कमेंट कर रहे हो वहां पे एक नीले रंग की पट्टी दिख रही है जहां लिख रहा है शेयर एंड सब्सक्राइब, वहां पे लिंक आ जाता है, लिंक पे क्लिक करो, ठीक है लिंक पे क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद ठीक है, आपको एक लिंक में क्लिक करने के बाद आपको अपना आंसर देना है। तो आपका क्वेश्चन तैयार है आप लोगों के सामने, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन कि आपने 1,000 बार सबकी क्लास में, मेरी क्लास में, किताबों में पढ़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन कितनी जल्दी देगा ये बताना है। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर तब बताऊंगी, मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं सब्सक्राइबर मेरे कितने बढ़ने लग रहे हैं, तो अगर तुम सब्सक्राइबर बढ़ने में मेरा हाथ नहीं दोगे, योगदान नहीं दोगे, तो तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं दूंगी। सबसे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपका क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिएगा, खतरनाक चीज लेके आएगी आपकी मैम आपके सामने हर बार। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगता है? बीसीजी विद इन हाउ मेनी डेज इज वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड? लिंक आ चुका है, लिंक पिन होने वाला है, लिंक आ चुका है, पिन हो गया है लिंक, फटाफट से बताइएगा, लिंक पिन हो चुका है फास्ट। क्वेश्चन था आपका कि बीसीजी का जो टीका होता है, ठीक है वो कब लगता है, ऐसा क्वेश्चन था। ये तो अगला चल गया आपका, ठीक है बीसीजी का टीका जो होता है वो कब लगता है, मतलब कितने घंटे बाद लगता है एक नवजात शिशु को। ये क्वेश्चन इतनी बार किया है ना, तुमने अगर गलत किया तो फिर तुम देखना, देखते हैं कौन विजेता है इस मतलब क्लास का। ओके वैसे इस बता देती हूँ, इस क्वेश्चन के विजेता की अगर हम लोग बात करें, ठीक है मतलब इस क्वेश्चन का जवाब सबसे जल्दी सही किसने दिया होगा, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले जो जवाब दिया होगा वो उसने दिया होगा जिसने बहुत फास्टली अपना गूगल फॉर्म भरा है,
बहुत फास्ट अपना गूगल फॉर्म भरा है, उसी बच्चे ने सही आंसर दिया होगा। वो हृदय प्रतिरूपण वाला क्वेश्चन तो मैं करवा चुकी हूँ जो आपका आ गया, तो थोड़ा सा डार्क करना पड़ता है इसमें, क्योंकि बच्चों आपके जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत पतले हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कैमरे का जो ब्राइटनेस है वो बहुत कम करना पड़ता है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 48 घंटे, 6 माह, 6 सप्ताह या जन्म के तुरंत बाद। तो बच्चों जन्म के तुरंत बाद या 48 घंटे के भीतर, यहाँ पे ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको लग रहा होगा। अब मेरे को मेरा फेस बिल्कुल ही काला हो गया होगा, मेरा चेहरा भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के डार्क किया है, जानबूझ के ब्राइटनेस को बिल्कुल जीरो कर दिया है, ताकि आप अपना नाम, क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ पाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फेयर एंड लवली लगाती हूँ, 5 मिनट में गोरी हो जाती हूँ, जो मेरा स्किन का कलर है वही दिखाई देता है। आपके लिए मैंने बहुत लो कर दिया है लाइट को। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात करूँ, क्वेश्चन आपका ये था, और इस क्वेश्चन की अगर मैं रेस्पॉन्सेज की बात, क्वेश्चन की बात करूँ, तो लगभग 403 बच्चों ने इसका आंसर दिया। इससे ये पता लगता है कि 403 यानी 200-300 फॉर्म भरे जाते थे, 403 बच्चों ने इसका आंसर दिया, इसका मतलब सभी बच्चों को इसका आंसर आता था। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने रेस्पॉन्सेज दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्स आया है वो 48 घंटे का आया है, और देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने दिया है। ठीक है, 48 घंटे का आंसर जो सबसे पहले दिया है जी, उस स्टूडेंट का नाम ए है, उस स्टूडेंट के नाम के आगे सिर्फ ए है। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर किसने दिया है, सेकेंड नंबर पर जो दिया है उसका नाम है राहुल साहू, और थर्ड नंबर पर जिसने दिया है उसका नाम है, गलत है राहुल का, तीसरे नंबर का बच्चा जो राहुल है गलत है, उन्होंने बोला जन्म के बाद, तीसरे नंबर का राहुल सारण गलत है जिन्होंने पहले जीता था, जन्म के तुरंत बाद, तीसरा ए के भी गलत है जन्म के तुरंत बाद, और 48 घंटे के अंदर अंकित, अंकित जो है वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अंकित जो है वो तीसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे थे राहुल साहू, राहुल साहू दूसरे नंबर पे हैं, और जिन्होंने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है और सबसे पहले दिया है, वो बच्चा है आप लोगों का 48 घंटे ए, और ये यूज़ करते हैं गूगल पे, इनका ए नाम लिखा हुआ आ रहा है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी इनका नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये गूगल पे यूज़ ही नहीं करते हैं। 99 टेक्निकल टीम, एक बार इनसे ना कॉल करके पूछा जाए इनका गूगल पे नंबर क्या है, क्योंकि इनका गूगल पे नंबर नहीं आया है, इनका नंबर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इनका हम लोग फ़ोन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इनका गूगल पे नंबर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी हम वापस अपनी क्लास पे जाते हैं और उस क्वेश्चन पे जाते हैं जिसके लिए 3000 लाइक हुए थे। ठीक है, तो सभी बच्चे बताइएगा सेशन कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, हेलो, नहीं नहीं वो मुझे पता है कौन सा है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, पता है, पता है। हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहती हूँ, इसका जो आंसर है वो ए और बी में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे, है ना, ए और बी में आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, मुझे पता है। मेरी टेक्निकल टीम का भी फ़ोन आया है कि मैम इसका आंसर ए होना चाहिए, आपने बी बताया है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि जिन बच्चों ने बी आंसर बताया है वो सही क्यों है, और जिन्होंने ए बताया वो गलत क्यों है, वो थोड़े से चूक गए हैं। देखिए, किसी भी बच्चे को BCG का जो टीका होता है, ठीक है, बच्चे क्या कहते हैं, टेक्निकल टीम प्लीज़ इसका जो नंबर है बच्चे का जिनका नाम सिर्फ ए लिखा हुआ आ रहा है, इनको कॉल करके इनका गूगल पे नंबर प्लीज़ पूछा जाए, और या फिर इनका फ़ोन पे या इनका पेटीएम नंबर पूछा जाए, क्योंकि इनका कोई भी नंबर जो है, मतलब इनका जो ये नंबर है ये गूगल पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये गूगल पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे बोल रहे हैं कि एकदम रबिश, तो मैं कुछ नहीं कह सकती उन्हें, क्योंकि जो बच्चे मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि इस बात की अहमियत क्या है। ध्यान से सुनिएगा, देखो जन्म के, ध्यान सुनिए, जन्म के बाद, ऐसा नहीं है कि तुरंत बाद है, जन्म के बाद, ठीक है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ठीक है, विद इन 48 आवर्स, ठीक है, जन्म के 48 घंटे के अंदर, यानी आप कभी 48 घंटे के अंदर, देखो पैदा होते लगा दो, पैदा होने के बाद लगा दो, पैदा होने के 1 घंटे बाद लगा दो, पैदा होने के 2 घंटे बाद लगा दो,
ठीक है, पैदा घंटे के 3 घंटे के बाद लगा दो, 4 घंटे के बाद लगा दो, लेकिन आपको 48 घंटे के अंदर ये टीका लगाना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एक बच्चा बोलता है कि मैम आप पागल बनाते हो। मैं पागल नहीं बना सकती, ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता, इफ़ यू मतलब आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको एक सेकंड बस, गिव मी वन सेकंड। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। एक बच्चे ने बोला मैम मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं अपने पर्सनल नंबर से उस बच्चे को कॉल कर रही हूं अभी तुम्हारे सामने। करने की वजह से इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधा अभी बंद है, इसलिए ये कॉल कनेक्ट नहीं की जा सकती। वी कैन रोल ओवर डेटा, हफ्ते का बचा डेटा इस्तेमाल करें। अब इस बच्चे का बच्चों जो नंबर है वो भी बंद आ रहा है, इस बच्चे का जो नंबर है वो भी बंद आ रहा है, और इनका नाम है जी साहब, ठीक है, इनका नाम है जी साहब। इस बच्चे का नंबर बंद आ रहा है, क्या बोल सकते हैं यार, इस बच्चे का नंबर भी बंद आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर है, कॉल नहीं लग रहा है, एंड आई एम जस्ट गिविंग अ कॉल। आप किसी बच्चे को कुछ पूछना है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है जैसे बताइएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है। किसी बच्चों की कोई क्वेरी, कुछ पूछना चाहते हो, पता नहीं भैया नंबर ऐसे दिया करो जिससे कॉल कर सकें। बच्चों ये नंबर व्हाट्सएप पे भी नहीं है, ठीक है, क्या ये नंबर व्हाट्सएप पे भी नहीं है। अब इसको प्राइस कैसे दे यार, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, और उसी को कॉल करते हैं, एक सेकंड, जिसको सबसे पहले पेमेंट किया था उसी को कॉल करते हैं। आप सबके सामने ना चीज़ें लाइव होगी ना, जब ही समझ में आएगा आपको, ठीक है, आप सभी को जब चीज़ें लाइव होगी तो वही आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड आई एम कॉलिंग टू आर जी कॉन्सेप्ट करके कुछ एक बच्चा है, 9188 0426, एक आर जी कॉन्सेप्ट करके एक बच्चा है, उसके पास कॉल जा रहा है। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, हाँ बच्चा आपका नाम? मेरा नाम आरएस कॉन्सेप्ट, मतलब मैडम मेरे नाम पे लगा रखा है इसमें आरएस कॉन्सेप्ट, मेरा रियल नेम है राकेश सारण। अच्छा अच्छा, तो बेटा आपके पास में पेमेंट आया है, क्योंकि बच्चे क्योंकि जो हमारे थर्ड चौथे जो विनर है उनके पास में पैसे नहीं गए हैं, क्योंकि उनका जो गूगल पे नंबर है ना वो आ रहा है, ना फ़ोन मिल रहा है, ना व्हाट्सएप पे वो है। तो एक बार बच्चों को कंफर्म करना था कि भाई जो थर्ड विनर रहे हैं हमारे, ठीक है, उनके पास में पैसा गया है कि नहीं गया है। मैडम मेरे पास में पैसे आ चुके हैं मेरे पास में। ठीक है, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मैडम हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ के नॉर्थ तहसील से। ओके, थैंक यू। अभी हम अपने एक विनर से और बात करना चाहेंगे, जो इस क्लास में 2 बार विनर रह चुके हैं, नहीं तो वो मुझे बोलेंगे। इनका नाम है अंकित, जिनका नाम है अंकित, और लड़के का नंबर तो हम लिख सकते हैं, लड़की का नहीं लिख सकते बोर्ड पे, और जिनका नाम है अंकित, नंबर देख लेते हैं, और अंकित को कॉल किया जाता है अभी। अंकित 2 बार विनर रह चुके हैं।
थैंक यू रॉक स्टार टावर, बिग फैन ऑफ माइन। तो आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, आप अंकित बोल रहे हैं? जी मैम, अंकित यादव। अंकित यादव बोल रहे हैं। आप दो बार विनर रह चुके हो अभी हमारी क्लास में। कल भी हमने दो बार ट्राई कर दिया, पर सेकंड रैंक आई थी दोनों में, आज दोनों बार फर्स्ट आया हूं। अच्छा, तो मतलब दो तीन दिन से ट्राई कर रहे हो लेकिन आ नहीं रहा था, लेकिन आज दोनों बार ट्राई किया, दोनों बार आ गए। जी मैम, क्लास में आपका रेगुलर देखता हूं, कल से ट्राई कर रहा था, कल भी दो बार ट्राई किया, सेकंड रैंक आई थी। अच्छा, दोनों बार फर्स्ट आया। आज दोनों बार ट्राई किया, दोनों बार आ गया। जी मैम, बस तीसरे चौथे में थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। कंफर्मिंग मिलते हैं आप लोगों से मतलब बहुत जल्दी, सभी के साथ में गेट टुगेदर करेंगे। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू मैम। ओके, तो ये मैंने दो बच्चों को अभी पेमेंट किया था जो उनके पास में जा चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को कंफर्म हो चुका है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अपना जो एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए लिखा हुआ आ रहा था, उसका कोई नंबर नहीं आ रहा था। ठीक है, दूसरी बात मैं बता देती हूँ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और आपको बहुत जल्दी बहुत चीज़ें मिलेंगी और इस चीज़ की पीडीएफ मिलेगी आपको बेटर एनरोल पे। बेटर एनरोल पे जाओगे, फ्री नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तो जल्दी आएगा और अगली क्लास में आएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और अपना हम पर्सनल नंबर नहीं बता सकते, ठीक है, आज मैंने अपने पर्सनल नंबर से खुद ही, क्योंकि मेरे पर्सनल नंबर से ही पेमेंट जाती है। लेकिन जितने बच्चों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपना नाम भरिए, अपना नंबर भरिएगा। ठीक है, और आपके पास में अपने आप ही एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाओगे। आपको जो व्हाट्सएप पे मेरी तरफ से लिंक आएगा उसको देखना है। ठीक है, कहती बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए बच्चों, मिलते हैं जल्दी आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। कल फिर 9 बजे यही क्लास होगी आपकी, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अरे सब्सक्राइब तो कर दिया।